नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीएचएसएल में 14 मार्च 2018 तक पूछे गए अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए वो सब की कंपाइलेशन में देने जा रहा हूँ आपको। 4 मार्च से पेपर चालू हुआ है, इसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जो जो भी मैंने इसमें वीडियो बनाए हैं सबकी कंपाइलेशन इसी वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, जिन लोग का भी आगे पेपर हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आज एनालिसिस कर लेते हैं 7 तारीख का। इसमें काफी सारे क्वेश्चन लिए मैंने और कुछ क्वेश्चन इसमें 6 तारीख के भी लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाए। ये सिर्फ है क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि अब ज्यादा हम लोग नहीं क्वेश्चन दे पा रहे। देखिए, क्वेश्चन तो हम लोग तभी दे सकते हैं ना जब आप लोग हमको क्वेश्चन शेयर करेंगे, हम कुछ बना के तो नहीं दे देंगे। आज काफी सारे शेयर हुए हैं तो इसलिए काफी सारे मैं करता हूँ इसमें डिस्कस। जीएस के भी हैं, मैथ के भी करेंगे, इंग्लिश के भी सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसमें देखिए, सबसे एक क्वेश्चन आया था कि नेवल एक्सरसाइज, ये मैंने जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, एक एनालिसिस ये देनी है आपको, करंट अफेयर्स प्लस जो जीएस जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने करंट अफेयर वाला वीडियो बनाया था उससे आ रहे हैं। अजीत ने फिर बनाया था जो टॉप 300 उससे आ रहे हैं, और प्लस जो मेरी एसएससी सीजीएल की एनालिसिस है जीएस जीके की, वो जरूर देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी से आ रहे हैं। तो ये है इंडिया और ओमान के बीच में नसीम अल बहर, एक क्वेश्चन रेजिस्टेंस से रिलेटेड था। पेंसिल में पी क्या होता है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही एक उड़े देश का आम नागरिक उड़ान में पूछा गया था डी क्या होता है। ये तो नॉर्मल से करंट अफेयर है, ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। सितारा देवी, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आया था और फिर आया है। ये मैं अभी मुझे इसलिए याद आया क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था उसका एसएससी सीजीएल का, तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन कॉपी किया है। ठीक है, तो सीजीएल वाली एनालिसिस देख लीजिए, जिनका भी बाद में एग्जाम है पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। मैं आप बोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो पूरा हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। सितारा देवी क्या है, ये एक क्लासिकल कथक डांसर हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको बोला था नृत्य सम्राज्ञी। लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पूरी मैं करंट अफेयर दे चुका हूँ साल भर की। नेशनल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल की जो भी आपकी इंडिया है, इंडिया की जो सराउंडिंग कंट्रीज है उनका, पहली बात तो जो फ्लैग है वो देख लो कि उसका रेशियो क्या है, सबका देख लेना आप। नहीं तो फिर मैं ओनली एसएससी वाले आपको, ये जो चैनल है हमारा इसको तुरंत ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे शेयर कर दूंगा, वरना आप देख लेना एक बार गूगल करके, सब मिलता है गूगल पे। मैं अभी गूगल करके ही देखूंगा आपको। दूसरी बात ये कि इंडिया की जो बाउंड्री सटी हुई है, हर जितने भी इंडिया के हैं, मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि उसके लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है। बचपन में एमबीए किया, बचपन में आप इतने स्मार्ट थे कि बचपन में ही आपने एमबीए कर डाला। इसका मतलब है बांग्लादेश सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, 4,000 करीब किलोमीटर, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान की सबसे छोटी बाउंड्री है। तो आप जितने भी इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके पहली बार तो पीएम और प्रेसिडेंट का नाम एक बार देख लीजिएगा, और प्लस वहां पे जो भी फ्लैग है उससे रिलेटेड चीजें, तो ऐसी कुछ कुछ ट्राइबल जीके आ रही है स्टैटिक टाइप की। वैसे अजीत इस पे एक वीडियो बना रहा है, आपको मिल जाएगा जल्दी। फिर ये ऑक्सीजन मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है, ये तो बचपन से पढ़ते हैं हम लोग, डायटॉमिक ये बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आया था विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड, लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड आया था। जितने भी गवर्नर जनरल हैं उन सबके रिलेटेड काम मैं बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं हम लोग, आपको यहाँ पे शेयर कर दिया जाएंगे ओनली एसएससी वाले एग्जाम्स वाले ग्रुप में। इसको पुत्र ज्वाइन कर लीजिएगा, ये इसका एड्रेस है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे आज सुनने में आ रहा है कि पटना में एक जगह पे शायद एग्जाम लीक हो गया है, कुछ कुछ लीक तो हो रहा है। देखिए, एसएससी सीएचएसएल के जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक तो एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन ये जरूर है जो भी प्रोटेस्ट हो रही है वो भी कंटिन्यू रहेगी, और जो लोग भी एग्जाम अगर देंगे तो देते जाए, और वहां पे आप लोग भी उनको सपोर्ट करिए। डिमांड तो यही है सबकी कि एसएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। फिर इसके बाद है फुल फॉर्म क्या होता है, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, जीडीपी से रिलेटेड, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे एंटोनियम सिनोनियम के। ठीक है, और इसमें स्पेलिंग एरर पूछी गई थी, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया था, रिनेसा की स्पेलिंग एरर पूछी गई थी। एक क्वेश्चन आया था कूल और हॉट एयर से उड़ान में क्या होगा, उड़े देश का आम नागरिक, तो डी क्या है, देश है। एफआरडीआई में डी पूछा गया था, ये है डिपॉजिट। डाल्टन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्टली नहीं पता। एसआई यूनिट मैं पूरी बता चुका हूँ, पूरी एक लिस्ट बना के यहाँ पे मैंने शेयर कर दी ओनली एसएससी एग्जाम्स ग्रुप में। बांग्लादेश का प्रेसिडेंट हाउस क्या बोला जाता है, बंग भवन, ये भी एक बार देख लीजिए। जो इंडिया के नेबर कंट्रीज है ना उनकी एक बार जीके देख लीजिए थोड़ी, कि उनका पीएम कौन है, वहां पे फ्लैग कितना आपका रेशियो रखा जाता है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, भवन को क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था पेरी एलियन और एपीलियन। देखिए, एक चीज होती है पेरी एलियन और एपीलियन, इसका ये मतलब है कि मान लो सन है, ठीक है, तो कोई प्लैनेट जब इसका चक्कर लगा रहा है
एक ऐसी पोजीशन आएगी जब ये सबसे पास होगा और एक ऐसी पोजीशन आएगी जब सबसे दूर होगा। तो जब पास होगा तो पेरिहेलियन है, पी से पास, पी से पेरिहेलियन, और जब दूर होगा यानी कि अपार्ट होगा तो आपका एपीहेलियन है। बस ये छोटी सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फार्देस्ट डिस्टेंस क्या होगी सन की ऑर्बिट करते हुए, वो होगी आपकी एपीहेलियन। ऐसे ही एक होता है अपोजी और पेरिजी। एपोजी का क्या मतलब है कि जो आपका मून है हमारा अर्थ का, जब वो अर्थ का, जैसे ये अर्थ है ठीक है, ये मून है, चक्कर लगा रहा है ऐसे करके लगा रहा है, जब सबसे पास होगा तो एपेरिजी हो जाएगी और जब से सबसे दूर होगा तो एपोजी हो जाएगी। बस ये दोनों में एक पी से, आप याद रखिए पी से पास है तो पी वाला होगा, पी वाला पास वाला होगा, ठीक है। अर्थ की जो आपका होता है पेरिजी, पेरिहेलियन, सन के, अर्थ और सन के बीच में होता है पेरिहेलियन एपिलियन, और अर्थ और मून के बीच में होता है एपोजी और पेरिजी। ये डिस्टेंस कितनी होती है, 147.1 मतलब 147.1 मिलियन किलोमीटर होती है, या फिर 147.1। और ये होता है आपका 3 जनवरी को, और आपका पेरिहेलियन होता है, सॉरी एपिहेलियन मतलब जब सबसे दूर होती है, तो 4 जुलाई को होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका अपोजी है ये होता है आपका 31 अक्टूबर को, और जैसे मतलब इस टाइम हुआ था ये 2016 में, और उसके बाद ये आपका 2000 ये नवंबर में हुआ था ये। तो ये अपोजी वाला जो है, अपोजी पेरिजी तो फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन पेरिलियन और पेरिलियन फिक्स होते हैं जनरली। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पूछा गया था, पूरी लिस्ट बता चुका हूँ मैं, उनली एसएससी एग्जाम्स में मैं दे भी चुका हूँ। 73rd वाला था आपका पंचायती राज, मैंने सब बता चुका हूँ इसमें कौन सी डेट को हुआ है। 74th वाला था आपका म्यूनिसिपलिटी, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सूरदास की जो पोएट्री थी उसकी लैंग्वेज थी ब्रजभाषा, ये क्वेश्चन आया था। अमाउंट एलोकेटेड पूछा गया था, देखिए एक्चुअली बजट में जो भी आपकी जितनी भी योजनाएं थी उसमें से रिलेटेड जो अकाउंट है वो आप जरूर देख लीजिए कितना कितना दिया गया है ये, वरना आप, मैं आप बताइएगा मुझे, फिर मैं ओनली एसएससी वाले एग्जाम्स में एक बार पब्लिश कर दूंगा इसको। क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, इसमें एक क्वेश्चन था सोडियम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एरोबिक एनोरोबिक, एनोरोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड, ये पहले वाले दिन का ये है, मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, इसे मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। सेबी क्या है, सेबी एक स्टेटूटरी बॉडी, क्योंकि इसको लॉ के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसको लॉ के थ्रू बनाया गया वो है स्टेटूटरी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम वाला हम लोग देख चुके हैं, और उसके अलावा ये सब हम लोग इस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। tan 30 -3/√2 यानी कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 - 3/√2, ये हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली। देखिए ये क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एसपी यानी कि सेल प्राइस और सीपी इज इक्वल टू 13/7, तो लॉस का आपको परसेंटेज निकालना है, नहीं लेकिन ये अगर अगर आपका सेल प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो लॉस कहाँ होगा, फिर तो प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताइएगा देख के। देखिए एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कि आपने कितने पे खरीदा, और एक होता है सेल प्राइस कितने पे बेचा, तो कुछ तो प्रॉफिट करोगे अपना। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, अगर लॉस होना है तो फिर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि सीपी बटा एसपी होना चाहिए था ग्रेटर देन वन, लेकिन यहाँ पे एसपी बटा सीपी है। वैसे देखिए करेंगे कैसे ये आप समझिए, लॉस क्या होगा, लॉस परसेंट निकालना है तो आप मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका, into 100 कर देंगे, यानी कि 1 - SP/CP into 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा इससे। लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, लॉस परसेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, माइनस में हो जाएगा मतलब वो तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन है ये लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैथ वाले, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया आपको हेमिस्फीयर का निकालना है, फॉर्मूला लगा दिए डायरेक्टली, डायमीटर दी हुई है, रेडियस हो जाएगी हाफ, वो फॉर्मूला लगा दीजिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 11, ये वाला क्वेश्चन है। अगर आपका 11 का देखिए पहला मल्टीपल होगा 11, ठीक है, दूसरा 22, तीसरा 33, तो ऐसे करके आपको 11 11 हो जाएगा 121। अब एवरेज निकालना है यानी कि सम डिवाइडेड बाई नंबर, ठीक है। तो सम आप निकाल सकते हैं एपी लगा के, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, ए इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। डी कितना है, डी इज इक्वल टू भी 11 है, डिफरेंस को 11 है। सम क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 11/2 into 2a यानी कि 22 +n-1 यानी कि n कितना, 11-1 यानी कि 10 into t यानी कि 11, तो ये आपका हो जाएगा 11/2। और देखिए इसी में एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई आप 11 कर दिए, तो 11 11 कट गया, ये हो गया आपका आंसर, कितना हो गया ये आपका, ये हो गया 22 प्लस देखिए a 2a +n-1 यानी कि 10 into 11/2, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 121 प्लस ये डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।
फिर उसके बाद ये सिनोनियम दिया हुआ है, एंटोनियम दिया हुआ है, ये सब चीज आए थे। आपको ये पीडीएफ मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, प्लस और भी जो चीजें मैंने बताई हैं आप लोग उसको खोज लीजिएगा, नहीं मिल पाया तो मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे ओनली एसएससी एग्जाम्स में आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, सीएचएसएल के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अरुण चौधरी जी ने भेजे हैं मुझे, और काफ़ी सारे मैथ्स के क्वेश्चन आज लिख के भेजे हैं। अगर देखिए आप लोग अगर मुझे पूरे क्वेश्चन एक शिफ्ट वाइज जो भी आपका जैसे शिफ्ट हो जाए, और अगर आप पूरे क्वेश्चन लिख के भेजें मुझे, तो मैं उसको वीडियो में पब्लिश करूंगा और आपका नाम भी लूंगा। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, इससे दूसरों की भी मदद हो जाएगी और यहाँ पे आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा दूसरों के लिए। मैथ्स का देखिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि राम और सुमित ने 7200 रुपये लिए, और सुमित ने 5 दिन काम किया और राम ने 4 दिन। तो डिफरेंशिएट करना है कितना जो वो पैसे लेंगे, कितना इसमें डिफरेंस होगा दोनों में। देखिए, ये इन नहीं होगा, वर्क इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्क फॉर होना चाहिए। ये शायद बस गलती हुई है इनसे। अब देखो, 7200 रुपये लिए हैं, 5 दिन इन्होंने किया, 4 दिन इन्होंने किया। मेरे हिसाब से तो ये फिर 9 दिन का हो गया टोटल काम, तो 1 दिन का कितना हो गया, 800 यूनिट, 800 रुपये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी जो पैसे का होगा वो डे के हिसाब से ही तो होगा। इनको 5 दिन का मिलेगा, इनको 4 दिन का, तो एक ही दिन का तो होगा, तो 800 रुपये होना चाहिए। अगर इसमें कोई आपको देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था ये बताइए, फिर कई बार क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अगर कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद है जैसे कि एक हाइट दी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 9, उसमें आउटर रेडियस बतानी है। मैंने भी इसकी ट्रिक बताई है, 2/3 से आप मल्टीप्लाई कर दो आउटर रेडियस में, तो 2/3 × 9 कर हो जाएगा ये 6। ठीक है, फिर है इसमें 2 बाल्टी दी हुई है आपके पास। स्मॉल बाल्टी जो है वो 3/5 है बड़ी बाल्टी का। ठीक है, अगर बड़ी वाली बाल्टी 6000 लीटर लेती है, तो 6000 मतलब लीटर पानी ले रही है, तो स्मॉल वाली बाल्टी कितना लेगी। तो 6000 × 3/5 कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा ये 5 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 1200 × 3 यानी कि 3600 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40% ऑफ वाई। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे आप, मतलब कि 0.9 ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 0.4 ऑफ वाई, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको इधर ले जाइए तो 4/9 वाई आ गया, एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि एक्स जो है वो 8% ऑफ वाई है। अभी हमने क्या निकाला कि एक्स जो है आपका, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, तो एक्स क्या हमने निकाला कि आपका 4/9 वाई है। अब ये क्या कह रहा है, 1% है ये, तो ये आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए कितना परसेंट हो जाएगा, ये 4/9 ही आंसर आ गया है इसका। ठीक है, परसेंटेज में करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक्स वाई जेड ट्रायंगल दिया हुआ है, 10x की वैल्यू दी हुई है 15/8, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस दिया हुआ है। अब देखिए ये एक्स एंगल ये है, इसके लिए जो परपेंडिकुलर आपका होगा, देखिए अगर मान लीजिए इसको जूम करिए थोड़ा सा, जो इस ट्रायंगल के लिए अगर आप एक्स की बात करेंगे तो यहाँ के लिए परपेंडिकुलर होगा आपका वाई जेड और बेस आपका होगा एक्स जेड। ठीक है, तो यानी कि ये दिया हुआ है आपको पर 15, और ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8, तो ये 15 है ये 8 है, ऐसे करके ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 15 ये 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का आप कर लेंगे 225 + 64 हो जाएगा 289, यानी कि ये हो जाएगा 17, तो ये आ गई 17 आ गई। आप कह रहा है कि साइन एक्स निकालना है तो साइन एक्स निकाल लो, ये साइन है, ये क्या होगा P/H यानी कि 15/17 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर 1/3 − cot 60, ये तो मतलब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 1/3 माइनस कर दो आप, cot 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, बस यही इसका आंसर हो गया। फिर ये क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में 221 रुपये का डिफरेंस है, प्रॉफिट 17% है। अब देखिए इसमें एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज ये है कि अगर आपको डिफरेंस दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, एक कुछ होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फिर उसमें हम कुछ प्रॉफिट करेंगे तभी तो बेचेंगे, वो होता है सेलिंग प्राइस। अब आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है 221 रुपये, तो ये मतलब कि प्रॉफिट ही तो दिया हुआ है ये 221 रुपये, और दूसरी बात ये कह रहा है कि प्रॉफिट ही 17%, 17% किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का ही तो होगा। ठीक है, तो ये जो है 221 है ये 17% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 17/100 × CP इज इक्वल टू हो गया 221, तो इससे CP निकल आई, CP की वैल्यू आ गई, तो आप उसमें ये कॉस्ट प्राइस आ गया, उसमें आप 221 रुपये और जोड़ दो तो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, 300 आएगा CP और सेलिंग प्राइस आएगा 521। फिर आपको ये तो मतलब काफी सिंपल है, ये प्रिंसिपल निकालना है, SI सब दिया है, SI इक्वल टू P × R × T / 100 होता है।
डायगनल दी हुई है आपको 25 रेक्टेंगल की, और ब्रेथ दी हुई है 7, और पेरीमीटर निकालना है। देखिए ये रेक्टेंगल मान लीजिए एक ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला कलर कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका, ये मान लीजिए डायगनल, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 25 दी हुई है डायगनल, तो ये है 25 और ब्रेथ दी हुई है 7। यार 25 ये दिया हुआ है, 7 ये दिया हुआ है, तो आप इसको नहीं निकाल पाओगे क्या? 625 -49 का अंडर रूट ले लो तो ये आ गई आपकी लेंथ आ जाएगी, और लेंथ आ जाएगी, ब्रेथ दी हुई है तो इन दोनों को जोड़ कर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आ गया पेरीमीटर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 2 रखनी है आपको, तो ये क्या होगा, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। 3 नंबर की डिजिट डिवाइडेड बाई 4, ये आप बताइए जल्दी से। इसके बाद है एक और क्वेश्चन आया था, ये एक डीआई वाला करते हैं, डीआई वाला बड़ा सिंपल सा है ये। देखिए एक ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें, ठीक है, अरुण चौधरी जी ने हमको ये किया है, ये आप लोग भी प्लीज़ कल से भेज दीजिएगा, जो भी शिफ्ट में जाए वहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा कि एक अगर पेपर में लिख के आप दे दें तो मैं उसको पूरा डिकोड कर दूंगा, और प्लस बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आप हमारा देखिए ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा सिर्फ SSC एग्जाम्स के लिए ये चैनल है, ओनली SSC एग्जाम्स, ठीक है, ये इसका एड्रेस है और ये आपको मिल जाएगा इसमें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी, ठीक है। अभी DI दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें, इसमें आपको बताना है एंगल ऑफ टैक्स। देखिए टैक्स लिखा हुआ है, लेबर लिखा हुआ है, मटेरियल लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, बाकी सब चीज़ लिखी हुई है। एंगल आपको बताना है टैक्स का, तो देखो टोटल एंगल तो इसमें होता है 360 डिग्री। अब अगर आपको पहली बात तो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है लाख लाख में, मतलब पहले आप इन सबको ऐड कर लो तो वो हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, वो करीबन आ जाएगा 1800, तो 1800 लाख हो गया टोटल प्रॉफिट, तो ये तो हो गया इसका आपका। फिर ये कह रहा है एंगल आपको टैक्स का निकालना है, टैक्स का निकालना है, तो ये कैसे आप निकालोगे, 15 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 360 डिग्री कर दो, तो ये आपका एंगल आ गया। तो 360 अगर आप करोगे तो 5 यानी कि 10 डिग्री आ जाएगा इसका एंगल। परसेंटेज निकालना है मटेरियल और लेबर का ओवरऑल से, मटेरियल का ये दिया हुआ है, कैसे निकालोगे, 350 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100, और अच्छा दोनों का पूछ रहा है मटेरियल और लेबर, तो मटेरियल का कितना, 350 प्लस 150 यानी कि 500, तो ये क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज। मैक्सिमम प्रॉफिट ये आपका आफ्टर प्रेस, तो ये प्रेस वाला अगर है आप इसको माइनस कर दो तो उसके बाद आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है आपका सिंप्लीफिकेशन था, फिर ये एक एरिया दिया हुआ था, एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ था, और आपको रोप, देखिए एक अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो यानी कि पाई आर स्क्वायर आप फॉर्मूला लगाओगे तो रेडियस आ गई, रेडियस आ गई तो रोप उसकी सरकमफ्रेंस पे पुट की गई यानी कि 2 पाई आर पे पुट की गई है, और आपको कॉस्ट दी हुई थी उस रोप की पर स्क्वायर मीटर दी होगी, पर मतलब मीटर दी होगी या फिर जो भी यूनिट होगी उसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आज के मैथ के क्वेश्चन थे, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन भेज दिया करिए, जो भी लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं उनका रीजनिंग का या मैथ का, अगर आप ऐसे पेपर पर लिख के दे सकें तो बड़ी आपकी कृपा होगी, और बाकी लोगों को भी आप सहयोग कर देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक इट शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए ये CHSL की 6 मार्च के कुछ क्वेश्चन और आ गए हैं मेरे पास, वो देख लेते हैं। एक तो ये आया था कि कैपिटल क्या है श्रीलंका की, और ये तो होती है कोलंबो। आपको जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं उसकी कैपिटल जरूर देख लीजिए, उसकी लिस्ट मैं शेयर कर दे रहा हूँ ओनली SSC एग्जाम्स ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ उसकी PDF जो कैपिटल वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आया था कि नोबेल पीस प्राइस इस बार किसने जीता है, ये नोबेल वाले प्राइस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पूरे अवार्ड वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये ओनली SSC में मैंने शेयर कर दिया है। फिर एक क्वेश्चन आया था राइट टू एजुकेशन कौन सा टाइप का राइट है। देखिए राइट टू एजुकेशन हम कई बार बता चुके हैं, ये एक फंडामेंटल राइट है, 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसमें 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आर्टिकल 21 के तहत, ए के तहत ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, और 0 से 6 साल तक के वो DPSP में आते हैं, और प्लस 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है ये दिलाने की फंडामेंटल ड्यूटी भी है जो उनके गार्जियन है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी एक जोड़ी गई थी 86 अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। फिर ये कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन आया था, ल्यूक्रेटिव क्वेश्चन उन्होंने आया था, एक वर्ड आपको लिखना था लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। पहला चेयरमैन कौन था डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन का, देखिए डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन का जो पहले चेयरमैन थे वो थे जीवी रामकृष्णा, 1996 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस समय इसको क्या बोलते हैं, दीपम बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट बोर्ड को नाम इसका चेंज करके दीपम रख दिया गया है, क्योंकि
ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। फिर इडियम्स और फ्रेजेस आए थे, बी इन द फोर्स और मेक अ सीन, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ये कहा था कि कॉस्ट प्राइस अगर एक आर्टिकल की 900 रुपए है उसमें पहले आप डिस्काउंट देते हैं 10%, फिर 20% देते हैं, तो फिर उसका क्या सेलिंग प्राइस होगा। देखिए 900 रुपए का पहले 10% छूट दे रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि 90% पे बेच रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 900 × 0.9, ये कितना हो गया 810 रुपए। अब इस पे फिर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यानी कि इसको 80% पे बेच रहे हैं, तो यानी कि इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 648, 648 आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ऑफिशियल नेम सारस का पूछा था, एनएल सारस है, ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी इसको बनाती है, इसीलिए इसका नाम है ये एनएल सारस। फिर पैसिव वाइज पूछी थी, पैसिव एक्टिव आ रही। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि डायमीटर आपको दी है स्फीयर की, डायमीटर दी तो रेडियस निकाल लेंगे आप, डिवाइड बाय 2 करके 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम पूछा है स्फीयर का क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, आर इसमें रखेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा इसमें। फिर ये क्वेश्चन है कि एक सम पूछा था आपको, a³ + b³ + c³ - 3abc, और ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। देखिए ये मैंने पूरा फॉर्मूला की ये लिस्ट है ये आपको शेयर कर दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा अभी, और ये आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये ओनली SSC एग्जाम ग्रुप में, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ मीडियन आपको दी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12, और आपको रेडियस निकाली इनर सर्किट की, मतलब मान लीजिए सर्किल की, मान लीजिए ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें जो इनर सर्किल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये कह रहा है कि आपको मीडियन की लेंथ दी हुई है 12, तो यानी कि ये वाली जो लेंथ है आपकी यहां से लेके ये आपको टोटल दी हुई है 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। अब आपको इसमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है इनर सर्किल की। तो देखिए अगर आप यहां से इस पॉइंट से देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इस पे अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस, तो ये भी आर हो जाएगा आपका, ये दोनों आर हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ अगर आप देखिए टोटल लेंथ तो आपको दी हुई है ये 12, अब आपको आर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला जो आपका एंगल है ये वाला, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो गया, तो आप अगर इसमें लगा दें sin 30, sin 30 लगा दें तो क्या आ जाएगा, P/H, यानी कि आर बटा ये वाली लेंथ जो है ये वाली, तो ये वाली लेंथ को मान लो एक्स, ठीक है। तो ये आर बटा एक्स हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो यानी कि आर इज इक्वल टू एक्स बटा टू हो जाएगी। अब ये है एक्स, हमने माना है ये एक्स है, आर कितना आ गया एक्स बटा टू, तो यानी कि ये टोटल जो हो गई 3x x + x/2 हो गई, इज इक्वल टू 12 है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3x/2 इज इक्वल टू 12, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8, तो 8 आ गई एक्स की वैल्यू। और आपको निकालना क्या, रेडियस, तो रेडियस 12 में से 8 घटा दो तो 4 आ जाएगी इसकी इनर रेडियस। तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये इतना आसान नहीं है हालांकि, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ तो आते ही हैं, हर क्वेश्चन तो नहीं सिंपल आ रहा है। फिर ये पूछा है कि एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, उसमें वाई 90 डिग्री दिया है, जेड 45, तो यानी कि ऑब्वियसली जो एक्स होगा वो भी 45 हो जाएगा, क्योंकि 180 होता है तीनों का सम। अब इसमें पूछा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक एक्स, यानी कि कॉसेक 45, यानी कि √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था गौतम बुद्ध से रिलेटेड, फिर एक क्वेश्चन है ये आपका एड से रिलेटेड, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता चल पाया इसलिए मैं नहीं इसमें बता पाया। उसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन है कि आपका ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर मान लो कोई ट्रायंगल Q90 है, तो ये ऐसे करके ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये Q90 है, यानी कि ये 90 है, अब P है और Q और R। अब कह रहा है कॉसेक P है 17/15, कॉसेक P क्या होता है, H/P, यानी कि जो H है ये पी आर, ये कितना है 17 है, और P यानी कि आपका है सॉरी यहाँ कॉसेक पी है ये वाला है, तो ये मतलब एच इसके लिए क्या हो, एच यही हो जाएगा, और इसके लिए जो पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक पी यहाँ से रेफरेंस लेना है, परपेंडिकुलर इसके लिए क्यू आर हो जाएगा, यानी कि ये है 15, ठीक है। 15/17 ये आ गया। अब आपको निकालना है कॉट आर, तो कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट आर क्या हो जाएगा, V/P, लेकिन इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस होगा Q R, Q R/, और आपका हो जाएगा ये PQ, तो QR तो आपको पता है 15, और पी आर निकाल लो आप, कैसे निकाल लोगे, वही है जो वाली आपकी थ्योरम होती है, ये 17² - 15² हो जाएगा आपका, अंडर रूट करके ले लोगे इसका तो पी क्यू हो जाएगा, तो 289 - 225 यानी कि 64 हो गया ये, यानी कि 8 हो गई ये पी क्यू, तो ये हो गया इसका आंसर। कॉट क्या हो गया, कॉट आर 15/8। एक क्वेश्चन आया था डेल्टा से रिलेटेड, बाकी ये भी और सुबह वाले क्वेश्चन है,
ये सब पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ इसी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। यहीं पे सब पीडीएफ मिलेगी जो भी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड है, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बनाया है ये हमने टेलीग्राम ग्रुप। ये है इसका एड्रेस और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीएचएसएल के एनालिसिस देख लेते हैं। 6 मार्च के कुछ क्वेश्चन आ गए मेरे पास मैथ और जीके के, और प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट जीके, मैं आपको बताता हूँ काफी सारी चीजें हैं इसमें। देखिए पहले मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आया था कि समय और कार्य से, यानी कि वर्क एवं टाइम से आया था क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन हम लोग इस पे देख चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें आया था कि 48 महिलाएं 36 दिनों में एक काम करती हैं, तो 18 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। एक इसका फॉर्मूला होता है MDH डिवाइड बाई W, यानी कि वर्क हो गया, M मतलब नंबर ऑफ मेन या फिर वुमेन, D से हो गया डे, H से हो गया आवर। इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, 48 इंटू 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 18 इंटू जो यहाँ पे D होगा, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 इंटू 36 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा ये। तो देखिए इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के 48 इंटू 36 इज इक्वल टू 18 इंटू D करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, D इज इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 2, यानी कि आपका हो जाएगा 96 ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 18 महिलाएं उस काम को 96 डेज में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य 436 रुपए, पहले उसमें 10% का डिस्काउंट देते हैं, फिर 20% की छूट पे बेचा जाता है, तो उसका अंतिम मूल्य कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 436 में 10% डिस्काउंट देते हैं, यानी कि उसके 90% पे बेचेंगे तो इंटू 0.9 कर दो, और फिर उस पूरे जो आया आपका मूल्य उस पर 20% की छूट दे रहे हैं तो उस पर यानी कि इंटू 0.8 कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके एक देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आया था नायलॉन से रिलेटेड, नायलॉन के स्टेटमेंट में शायद 2-3 स्टेटमेंट दिए गए थे। नायलॉन एक्चुअली ऐसा पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि इजाद किया गया था, डेवलप किया गया था ये, और ये डेवलप किया था 1930s में किया था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं पूरी लिस्ट लाया हूँ जो कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में मैंने कल भी बताया था आपको, क्वेश्चन भी आया था उसमें। देखिए सिंथेटिक फाइबर ये सब है, नाइलॉन हो गया, एक्राइलिक, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सब के सब से ये सिंथेटिक फाइबर है। टेंशन मत लीजिए, मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, यहाँ पे आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा ओनली एसएससी एग्जाम्स। ये है इसका एड्रेस, इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, जितनी भी पीडीएफ है सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये डक्टिलिटी पे आ जाया था, तो मैंने डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी और प्रेसिबिलिटी का एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन दी। देखिए डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने टेंसाइल फोर्स लगाई तो ये जो मटेरियल होते हैं आपके ये स्ट्रेच हो जाते हैं वायर में, और अगर आपने कंप्रेसिव फोर्स लगा दी मतलब दबा दिया तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे जो मटेरियल वाली प्रॉपर्टी करते हैं शो, उनको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। कॉमन एग्जांपल है कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील का, ठीक है। फिर उसके बाद जो डक्टिलिटी का अपोजिट होता है ब्रिटिल, मतलब अगर आपने इसमें टेंसाइल स्ट्रेच लगाया तो ये तो टूट ही जाएगा, ठीक है, ब्रिटिल होता है वो। इसमें जैसे आपका हो गया कास्ट आयरन, कंक्रीट और प्लस ग्लास, अगर आपने ग्लास में टेंसाइल करने की कोशिश की तो आप ग्लास टूट जाएगा, आपने देखा ही होगा। फिर ये मैलिएबिलिटी का मतलब है कि कोई ऐसा सॉलिड मोबिलिटी होती है जो कि अगर आप उसमें हैमर करेंगे, तोड़ा मारेंगे तो दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेक हुए बिना, वो सब होते हैं मैलिएबल। जैसे गोल्ड हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब है आपके मैलिएबल, और गोल्ड और सिल्वर तो हाईली मैलिएबल है। आपने देखा होगा सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं ठोक पीट के, उनको कैसा भी बना सकते हैं। प्लैनेट जीके बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको पूरी प्लैनेट जीके का बता दे रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, इस पर हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं। देखिए जो आपका अगर ये देखें, ये सन है और ये पूरे आपके 8 प्लैनेट है, प्लूटो भी था पहले, अब नहीं है, तो इसका ये फॉर्मूला भी था, एक ट्रिक थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स, ठीक है, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये है आपका फॉर्मूला। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट के इधर वाले जो आपके प्लैनेट होते हैं इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर वाले जो प्लैनेट होते हैं उनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट का मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है सन के, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और आउटर प्लैनेट होते हैं JSUN, ठीक है। जो इनर प्लैनेट होते हैं रॉक से बने हुए हैं, जो आउटर प्लैनेट से गैसेस और सॉलिड से बने हुए हैं। ये देखिए ये प्लैनेट की लिस्ट दी हुई है उनके ऑर्बिट के हिसाब से, सन के हिसाब से, अगर आप सन से उसकी ऑर्बिट देखेंगे तो सबसे जो बड़ी ऑर्बिट होगी, ऑर्बिट सी बात है सबसे बाहर है नेपच्यून, तो उसकी होगी। ये है उनका एक स्पिन कितना, मतलब एक वो रोटेट करते हैं, जैसे अर्थ को एक दिन लगता है अपनी स्पिन पे, अपनी एक्सिस पे स्पिन करने पे, ठीक है। तो
तो वो अर्थ को और मार्स को एक दिन लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम लगता है वीनस को, 243 दिन में वो एक अपनी धुरी पे घूम पाता है। सबसे कम लगता है जुपिटर को, जरूर 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 याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये कुछ और है मून्स का, ये दिया हुआ है डेटा, जैसे मरकरी और वीनस में कोई मून नहीं है, सबसे ज्यादा जो मून्स है वो है जुपिटर में, और यूरेनस के 27 मून्स है, सभी शेक्सपियर और एलेक्जेंडर के नाम पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और जुपिटर में 67 मून्स है, कई कई जगह थोड़ा बहुत डेटा अलग है, लेकिन जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून है। ये देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट प्लैनेट की लिस्ट दी हुई है, सबसे जो बड़ा है डायमीटर में वो है आपका जुपिटर, ठीक है। सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है, जुपिटर है। सबसे छोटा है आपका मरकरी, अर्थ आता है आपका साइज में 5वें नंबर पे, तो ये आप याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस और नेपच्यून है, अर्थ अपना 5वें नंबर पे है। ये है कुछ मासेस के ऊपर, सबसे ज्यादा मास किसका है, वो भी जुपिटर का ही है, जुपिटर सबसे ज्यादा बड़ा भी है, सबसे ज्यादा वेट भी उसी का है, मास उसका है। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, बाकी जो प्लैनेट है एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, मतलब ऐसे करके, लेकिन जो वीनस और यूरेनस है वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसे घड़ी घूमती है उस हिसाब से। वीनस और यूरेनस जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, बाकी सब वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। बड़ी 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 इंपॉर्टेंट बात है। जो सीरस है वो लोकेटेड है आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट में, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद वीनस को बोलते हैं अर्थ का सिस्टर प्लैनेट, मार्स को बोलते हैं रेड प्लैनेट, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था, प्लूटो प्लैनेट नहीं है। यूरेनस को गैस जाइंट बोलते हैं, मिथेन आइस की प्रेजेंस है यहाँ पे, इसलिए ब्लूइश दिखता है ये। सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है आपका यूरेनस, सबसे हॉटेस्ट है वीनस, इसमें मरकरी मत करिएगा, मैं काफी सारी गूगल पे रिसर्च करके देख चुका हूँ, अगर कहीं लिखा हुआ है तो शायद वो गलत है, या तो आप एकदम और ज्यादा अच्छा प्रूफ दीजिए मुझे। उसके बाद है देखिए सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है वीनस, और इसको इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। तो ये कुछ प्लैनेट के फैक्ट थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे ये। फिर ये देखिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आए हैं, ये तीन शब्द दिए हुए थे और इसमें से बोला था कि आपको इसमें से सबसे क्लोजेस्ट वर्ड बताना था। फिर सुनोनियम आया था कोटली का, एंटोनियम आया था ल्यूक्रेटिव का, स्पेलिंग चेक आई थी, इडियम्स फ्रेजेस आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, एरर डिटेक्शन आया था, क्लोज टेस्ट भी आया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ये पहली शिफ्ट की एनालिसिस थी, रात में पूरी एनालिसिस मिलेगी, लेकिन आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओनली एसएससी एग्जाम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए टेस्ट 10 लिया था मैंने पेड वाले लोगों के लिए, एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसको मैं यूट्यूब में भी डाल दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बताने जा रहा हूँ। आप देखिए देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो नंबर 1 पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, और नंबर 5 पे है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ये एक्चुअली जो चार्ट बना हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इससे निकलता है, बहुत सारे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है यूपी में है, सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है आपका? देखिए सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो आपका स्टेट है वो है सिक्किम। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम, ये दो चीज आपको याद रखनी है। और सेकेंड लास्ट वाला कौन सा है, मिजोरम है, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं अभी हम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी कहाँ पे है यूनियन टेरिटरी में, वो है आपकी दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है यहाँ की। और सबसे कम अगर पॉपुलेशन वाला पूछा जाएगा तो वो है आपकी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। अब देखिए लक्षद्वीप ऐसी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो जहाँ पे पॉपुलेशन भी सबसे कम है और एरिया भी सबसे कम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो पॉपुलेशन की बात हमने कर ली, अब चलो दूसरी बात अगर करें कि आपकी जो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, तो सबसे ज्यादा एरिया में यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए सबसे कम एरिया अगर आप देखेंगे, पहले यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं, सबसे कम किसका है, लक्षद्वीप का है, और सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे ज्यादा एरिया है आपका दिल्ली में, सबसे ज्यादा एरिया है, सॉरी सबसे ज्यादा एरिया किसमें है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो यूनियन टेरिटरी की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, ठीक है, और सबसे कम किसका है, लक्षद्वीप का। पॉपुलेशन की यूनियन टेरिटरी में बात करें तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है आपकी दिल्ली में। और अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, देखिए पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे, पॉपुलेशन में नंबर लास्ट पे है, मतलब सबसे जो लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा भी है और सबसे कम पॉपुलेशन भी आ रहती है यूनियन टेरिटरी में, ये दो चीज हो गई। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वो आपकी है दिल्ली में। देखिए दिल्ली है ये, 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है करीबन यूनियन टेरिटरी की अगर आप बात करेंगे सिर्फ। और सेकेंड नंबर पे है आपका पुडुचेरी, करीबन 1.2 मिलियन, 12 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। थर्ड नंबर पे आपका ये चंडीगढ़ है, 10 लाख पॉपुलेशन है, और आपका
फोर्थ नंबर पे है ये अंडमान निकोबार, 4 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। दादरा नगर हवेली है फिफ्थ नंबर पे, फिर दादर दमन एंड दीव है और फिर लक्षद्वीप है। तो ये हो गई आपकी यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन। अब देखिए डेंसिटी की अगर आप बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो सबसे कम तो है पॉपुलेशन डेंसिटी वो है अरुणाचल प्रदेश की, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ लेंगे लोग। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी की किसकी है, वो अगर आप टोटल यूनियन टेरिटरी और स्टेट को कंसिडर करेंगे तो दिल्ली की है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी 11,297। लेकिन सिर्फ स्टेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, बिहार की है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, वेस्ट बंगाल की। थर्ड लार्जेस्ट है केरला की। फोर्थ लार्जेस्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश की। तो ये हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी की बात। और अगर आप इसमें यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड करते हैं तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, वो है आपकी दिल्ली की है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे बल्कि चंडीगढ़ है, फिर थर्ड नंबर पे पुडुचेरी है, और फोर्थ नंबर पे दमन एंड दीव। मतलब सब ये जितनी भी यूनियन टेरिटरी काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, ये एक बात इससे समझ में आती है। फिर ये एरिया वाली बात हो गई, हमने एरिया देख लिया। एरिया सबसे ज्यादा किस स्टेट का है, राजस्थान का है। चलो एरिया यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। एरिया सबसे ज्यादा किसका है, राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर फोर्थ नंबर पे यूपी। सबसे कम एरिया किसका है, सबसे कम एरिया है आपका, स्टेट की बात करेंगे तो सबसे कम एरिया किस स्टेट का, गोवा का है, ये ध्यान रखना। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, सबसे कम पॉपुलेशन है आपकी सिक्किम की, राज्य की बात करें। लेकिन सबसे कम जो एरिया है वो आपका गोवा का है, ठीक है, ये समझ में आ गई चीज। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो सबसे कम एरिया है लक्षद्वीप का, ठीक है। तो अभी तक ये सब चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करें तो डिकेडल ग्रोथ की बात कर लेते हैं। सबसे जो कम ग्रोथ हुई थी डिकेडल ग्रोथ 2001 से लेके 11 तक, यानी कि निगेटिव में ग्रोथ चली गई थी नागालैंड की, पहले से पॉपुलेशन कम हो गई है 0.5% माइनस में वो भी, ठीक है। और उसके बाद स्टेट में सबसे निगेटिव ग्रोथ किसकी है, 4.9% केरला की। तो नागालैंड को जरूर याद रखना। और सबसे ज्यादा अगर डिकेडल ग्रोथ की बात करेंगे तो किसकी है, दादर एंड नागर हवेली है यूनियन टेरिटरी में, और वैसे किसकी है स्टेट में, स्टेट में मेघालय की है, मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है। तो ये एक बात हो गई। फिर अगर मान लीजिए आपको रूरल पॉपुलेशन पूछ दिया जाए कि देखिए एब्सोल्यूट पॉपुलेशन में तो लक्षद्वीप ही सबसे कम होगा, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ही जरा सी है, 60,000 पॉपुलेशन है। अर्बन में भी वही कम है और रूरल में भी वही कम है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि रूरल पॉपुलेशन में एब्सोल्यूट पॉपुलेशन में नंबर वन पे कौन सा है, वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये बात जरूर आप याद रखिएगा। और एब्सोल्यूट पॉपुलेशन में अगर आपसे अर्बन वाला पूछा जाएगा तो कौन है, अर्बन में एब्सोल्यूट पॉपुलेशन में महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश नंबर टू पे है, ठीक है। और परसेंटेज वाइज अगर पूछा जाएगा अर्बन पॉपुलेशन तो वो गोवा है। तो ये सभी चीजें सेक्स रेशियो और देख लिए। देखिए इंडिया का पूरा सेक्स रेशियो तो 2011 में था 943, 943 फीमेल थी 1,000 मेल पे। अब अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो वो कितना था, 919 था। सबसे ज्यादा जो सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, यूनियन टेरिटरी में दमन एंड दीव का है, ठीक है। जितनी भी यूनियन टेरिटरी सबका सेक्स रेशियो बड़ा खराब है। स्टेट की बात करेंगे तो हरियाणा का है, हालांकि हरियाणा ने इम्प्रूव किया 2015 में। और अगर आप देखेंगे स्टेट में लोवेस्ट तो था हरियाणा का, और फिर उसके बाद था सिक्किम का, और फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कितना था, 908 था, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे आप तो वो था किसका, केरला का 2011 में, फिर पुडुचेरी, और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, फिर थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा एरिया किस स्टेट का है, सबसे कम एरिया किस स्टेट का है, दूसरी बात सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट की है, फिर सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी, सबसे ज्यादा एरिया किस यूनियन टेरिटरी का है, और सबसे कम एरिया किस यूनियन टेरिटरी का है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी की है, सबसे कम पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी की है, ठीक है। एरिया में नंबर वन पे आपको स्टेट और वो बता दिया मैंने, वो सब चीजें बताइए आप। दूसरी बात ये कि अर्बन पॉपुलेशन में नंबर वन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन में कौन सा है, और परसेंटेज वाइज नंबर वन कौन सा है, और ग्रामीण वाली जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें एब्सोल्यूट एरिया, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन में नंबर वन कौन सा है, और परसेंटेज वाइज नंबर वन कौन सा है। डिकेडल ग्रोथ निगेटिव किस एक स्टेट की, सिर्फ एक स्टेट है वो। और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, किस यूनियन टेरिटरी का है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, और सबसे कम सेक्स रेशियो किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी का है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। पेड़ वाले ग्रुप के लोगों का कुछ डाउट था इसलिए मैंने बनाया वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीएचएसएल की 5 मार्च की एनालिसिस देख लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आए मेरे पास। एक तो यह आया है कि प्रबल दोस्ती जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होती है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। देखिए जितनी भी इंडिया की दूसरी कंट्रीज के साथ जो ज्वाइंट मिलिट्री लिस्ट होती है वो मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम में शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ओनली एसएससी एग्जाम्स ग्रुप पर ज्वाइन करना है आपको ये टेलीग्राम चैनल, ये इसका एड्रेस, और यहाँ पे मैंने शेयर कर दी, काफी सारी चीजें मैंने शेयर कर दी है। मोटर व्हीकल एक्ट ये कब आया था, 1988। देखिए ये आया था, फिर 2017 में अमेंडमेंट हो रहा है। इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उन सब के लिए वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, आप लोग तो देख लीजिएगा, सबके लिए वीडियो यहाँ पे शेयर हो रहा है। ठीक है, पंचायती राज किस आर्टिकल में आता है, देखिए ये पार्ट का कल भी मैंने बताया था, शेड्यूल भी बताया था मैंने, आर्टिकल की पूरी लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली आर्टिकल की उसमें ओनली एसएससी एग्जाम्स में मैं शेयर कर चुका हूँ। पंचायती राज का आर्टिकल है 243 से लेकर 243 O तक, म्युनिसिपैलिटी का है 243 P से लेकर 243 ZG तक। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है ZH से लेकर ZT तक। तो ये पार्ट्स हैं प्लस ये आपके आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट जो है आपके, जैसे फंडामेंटल राइट 12 से 15 है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 है, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए सिर्फ एक आर्टिकल है 51A। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी शाम को, अभी आप वीडियो देख लीजिए पूरा। ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे 17 पार्ट में आता है और इमरजेंसी वाला 18 में आता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 368 आर्टिकल है। फिर एक ये आया था क्वेश्चन कि अगर बर्थ रेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली तो मुझे ऑप्शन नहीं यहाँ पे पता चल पा रहा है, लेकिन बर्थ रेट अगर इंक्रीज होगा और मान लीजिए डेथ रेट अगर डिक्रीज नहीं हुआ तो फिर तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, और अगर बर्थ रेट ऐसा इंक्रीज हुआ कि जो डेथ रेट है वो भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज हो जाए तब तो पॉपुलेशन नहीं भी बढ़ सकती। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप नॉर्मली एसएससी सीएचएसएल वाले लेवल पे देखेंगे मुझे लगता है शायद यही पूछा होगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं, तो बढ़ेगी बिल्कुल। एक क्वेश्चन रेजिस्टेंस था, एक क्वेश्चन था इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका पहले नाम क्या था, 1980s में रख दिया गया था इंदिरा गांधी जी के नाम पे, इंदिरा पॉइंट पहले नाम था इसका पिगमेलियन और पार्सन पॉइंट। फिर देखिए एक क्वेश्चन आया था कि ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया सबसे पहले कौन थे, गुजरात और आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था इंडिया का जो सबसे लंबा पुल है किस नदी पे बनाया गया, ब्रह्मपुत्र में बनाया गया था, ढोला सरिया जो ब्रिज है। डीपीएसपी कहाँ से लिया है हमने, राज्य के नीति निदेशकता तो सब कुछ हम लोग बता चुके हैं, आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड ने कॉपी किया था स्पेन से। देखिए ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पाकिस्तान का नाम किसने रखा था, रहमत अली। तोडा ट्राइब कहाँ की है, तमिलनाडु। इसमें से शायद कुछ क्वेश्चन 4 तारीख के भी है, आप लोग कंफर्म करिएगा, 3 जो शिफ्ट हुई थी कल। ठीक है, उसमें भी कुल जो क्वेश्चन बच गए थे वो भी मैं दूसरे दिन ही करूंगा, तो एक वीडियो मैं सुबह दिया करूंगा एक शाम को। ठीक है, तो सुबह वाले में जो पुराने दिन के बच गए होंगे वो सब, और शाम वाले में सब कुछ कंपाइल्ड। नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर में क्या क्या डिफरेंस होता है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आए शायद। नेचुरल फाइबर होते हैं वुल, सिल्क, कॉटन और जूट, आर्टिफिशियल है रेयन और नाइलॉन। ठीक है, खेल रत्न किसको मिला है अवार्ड, ये वाला देख चुके हैं पहले काफी बार। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर देती है, इस बार मिला देवेंद्र झाझरिया को और सरदारा सिंह को। सबसे पहले मिला था विश्वनाथन आनंद को, इस बार मिला देवेंद्र झाझरिया को, पैरा एथलीट है जो कि सरदारा सिंह, जो कि सरदार सिंह मतलब जो कि हॉकी के हैं ये। फिर ये है आपका 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्विवेलेंट है, क्या ये मीटर पर सेकंड में पूछा था कि कैसे पूछा था, एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है। मीटर पर सेकंड में अगर पूछा है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बस उतना है मीटर पर सेकंड। म्युनिसिपलिटी वाला भी अभी हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया, सेक्स रेशियो से रिलेटेड भी शायद कर लिया, आज कोई क्वेश्चन आया था। देखिए सेक्स रेशियो इंडिया का होता है, इंडिया में जो होता है नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेल काउंट करते हैं, इंडिया का इस समय सेक्स रेशियो 953 है और इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो है 919। इंसुलेटर से रिलेटेड शायद क्वेश्चन आया था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ये सब ये देखिए ये क्रोनोलॉजी मैंने हिस्ट्री की लिख दी यहाँ पे, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ईयर पूछ रहे हैं। ठीक है, संतल रिबेलियन का बुआर समाज, ये पूरी क्रोनोलॉजी मैंने लिख दी है, पीडीएफ मैं आपको वहां पे दे दूंगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं इसमें, और बाकी आप ये जो हमारा चैनल है इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, सब यहीं पे मिलेगा जो भी चीजें एसएससी एग्जाम्स के लिए, बस ये चैनल है, इसका नाम ही ओनली एसएससी एग्जाम्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर। और एक चीज और है कि प्लीज मैथ के क्वेश्चन भेज दीजिएगा, कैग का भी शायद आया था कुछ क्वेश्चन कल, मैंने ये बताया था 6 साल के लिए 65 साल के लिए होते हैं, राजीव महर्षि जी हैं ये, ऑडिट कर सकते हैं ये सेंट्रल स्टेट और गवर्नमेंट कंपनीज का, ये सब चीजें हैं इसमें। तो बाकी ये देखिए
जो मैं पीडीएफ देता जाऊंगा ना वो एक दिन पहले की उसमें पहले वाले क्वेश्चन में होंगे, तो ये 5 तारीख की तो आपको 4 में भी इसी में मिल जाएगा, फिर 6 की जो आएगी उसमें 4, 5, 6 का उसी में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए इसमें हम लोग पूरी लिस्ट देखेंगे, नोबेल प्राइज अभी तक किस किस भारतीय ने जीता है, ठीक है। तो जितने इंडियन सिटीजन ने नोबेल प्राइज जीता है, प्लस जो इंडिया के थे पहले वो उन्होंने बाद में नागरिकता ले ली, या फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इंडिया से एसोसिएटेड थे, तो सबकी लिस्ट देख लेते हैं। ये अभी पूछा जा रहा है सीएचएसएल में, बाकी एसएससी और यूपीएससी और यूपीपीसीएस कहीं भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है ये। देखिए सबसे पहले अगर ये पूछा जाए आपसे कि सबसे पहला भारतीय कौन था जिसने नोबेल प्राइज जीता, वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में जीता था, ये सन भी याद रखना है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। कई बार ये सन भी आ जाता है, मतलब ईयर भी पूछ लेते हैं कि किस ईयर में जीता था और किस चीज के लिए जीता था। गीतांजलि जो इनकी थी रचना, उसके लिए जीता था। तो सबसे पहले जीता था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 में, ठीक है। इन्होंने ये जो भी आपका ये इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं इनको, नेशनल एंथम जो इंडिया का है प्लस बांग्लादेश का है, वो भी इन्होंने ही कंपोज किया था। दूसरे जो भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, वो थे सीवी रमन। इन्होंने फिजिक्स में जीता था। अच्छा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसने में जीता था, लिटरेचर में। तो तीन चीज आपको याद रखनी है, रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले भारतीय 1913 और गीतांजलि, ठीक है। दूसरे थे सीवी रमन, फिजिक्स में जीता था, 1930 में जीता था, रमन इफेक्ट के लिए जीता था ये, जो इन्होंने वर्क किया था अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड, तो उसके लिए इनको मिला था 1930 में। 1979 में थर्ड नंबर पे आती हैं मदर टेरेसा, हालांकि ये भारतीय नागरिक नहीं थी, लेकिन इन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता ले ली थी। इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज 1979 में, 1989 में, ठीक है, नहीं 1979 में, सॉरी 1979 में मिला था इनको। मैसेडोनिया की हैं ये वैसे, और इन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता ले ली थी ये, और कैथोलिक नन और मिशनरी बन गई थी, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और काफी सारी चीजें मिशनरीज ऑफ चैरिटी चलाई थी कोलकाता में, ये सब चीजें। इनको सेंट की उपाधि मिली थी 2016 में। अच्छा, यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया से अभी तक कितने लोगों को सेंट की उपाधि मिल चुकी है, जल्दी से बताइए कॉल इसमें कमेंट करके। फिर इसके बाद चौथे भारतीय हैं आपके अमृत सेन, जिनको की नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में मिला था, ये आप याद रखिएगा। इनको मिला था इनके कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने किया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये दो चार चीजें याद रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है ये, ठीक है। तो ये इनको मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद जो लेटेस्ट है अभी कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनको मिला है 2014 का नोबेल पीस प्राइज मलाला यूसुफजई के साथ, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं इंडिया में, बच्चों के लिए काम करते हैं काफी। जल्दी से उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए इनको, ये एमपी के हैं, ये 2014 में मिला था इनको, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे नोबेल लॉरेट हैं जो कि इंडिया के थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहीं और नागरिकता ले ली, इंडियन बॉर्न है, जैसे आर गोविंद खुराना, इनको मेडिसिन में मिला था 1968 में मिला था, जीनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस के इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। तो ये हर गोविंद खुराना को मिला था। उसके बाद फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था, पहले इंडिया के थे ये, और फिर उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप ले ली थी 1983 में मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चंद्रशेखर एक आपका लिमिट भी होती है, उसके लिए मिला था, व्हाइट ड्वार्फ मास होता है, उसकी अपर लिमिट इन्होंने डिटरमाइन की थी। और इनको मिला था किसके लिए, कि इन्होंने बताया था क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन जो स्टार्स होता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वेंकट रमन, अच्छा ये जो थे ये आपके ये नेफ्यू थे, मतलब भतीजे थे ये इनके सीवी रमन के, सीवी रमन को इंडिया की तरफ से मिला था फिजिक्स का, ठीक है। और इनको भी किसमें मिला, इनको भी आपका मिला था फिजिक्स का, तो फिजिक्स के दो हैं ये। उसके बाद है आपका वेंकट रमन रामकृष्णन, केमिस्ट्री का मिला 2009 में मिला इनको, इनको मिला था राइबोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। ये समय रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, ये अमेरिका की सिटीजनशिप लिए हुए हैं इस समय। अब ये कुछ ऐसे नोबेल लॉरेट हैं जिनकी इंडियन लिंक्स हैं, ठीक है। रोनाल्ड रोस हैं, इनको मिला था नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 1902 में, ठीक है। ये बॉर्न हुए थे अल्मोड़ा में, ठीक है, तो ये हैं इसमें। उसके बाद रुडियार किपलिंग को मिला था लिटरेचर के लिए 1907 में। लेकिन देखिए अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे पहला भारतीय कौन था जिसको कि नोबेल प्राइज मिला, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थी, ये याद रखिएगा आप। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म भी बॉम्बे में हुआ था, जंगल बुक के लिए काफी फेमस है ये। 14 दलाई लामा जिनको नोबेल प्राइज ये पीस प्राइज मिला था इनको, और ये 1989 में मिला था।
ठीक है। और इसके बाद फिर वी एस नायपॉल ने इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का 2001 में। तो ये कुछ लिस्ट है इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अभी 4-5 क्वेश्चन है आपके लिए, आप जल्दी से बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पहला नोबेल प्राइज, देखिए ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन, कौन सा नोबेल प्राइज जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अभी मैंने सबकी लिस्ट बताई, जल्दी से बताइए, अब तो आपको याद हो गया होगा। सेकंड वाला है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था, किस सन में मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर महात्मा गांधी को अच्छा ये बताइए कि कब कब नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, हालांकि मिला नहीं कभी। उसके बाद है किस इंडियन को नोबेल प्राइज मिला था मेडिकल फील्ड में। उसके बाद है मदर टेरेसा ने किस ईयर में जीता था, जल्दी से बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखिए ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये तुरंत यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ओनली एसएससी एग्जाम्स, ये हमारा सिर्फ एसएससी के लिए ग्रुप है, ये चैनल है। इसमें देखिए कोई भी ऐसी चैटिंग नहीं हो सकती, इसमें जो मैं आपको दूंगा मटेरियल या फिर जो भी वीडियो देंगे हम लोग दे सकते हैं, हमारी टीम दे सकती है। और आप जैसे कुछ लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि जो एसएससी ज्ञान वाला ग्रुप है उसमें बड़ी चैटिंग होने लगी और वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो लोग यहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ओनली एसएससी एग्जाम्स में। इसमें मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 4 तारीख को आज से चालू हो चुका है, तो उसके एनालिसिस कर लेते हैं। पहली शिफ्ट की एनालिसिस है, इसके बाद देखिए अभी तो मैं पहली शिफ्ट की दे रहा हूँ, लेकिन आप पूरे दिन की एक साथ एनालिसिस आपको दूंगा, करीबन 8 बजे के आसपास रात में, 7 बजे के आसपास रात में, ठीक है, शाम को मतलब। और ये देखिए आज का पेपर अगर आप देखें तो इंग्लिश का जैसे है ये, प्लस 17 से 20 क्वेश्चन किए जा सकते थे, 16 से 20 एप्टीट्यूड में और रीजनिंग में 21 से 23, और अवेयरनेस वाला भी 18 से 20। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है मेरे पास एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के, वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अशोका के जो एडिक्ट हैं वो पूछा गया था किस चीज से रिलेटेड थे ये एडिक्ट, और जो इंस्क्रिप्शन थे ये रिफॉर्म से ये एसोसिएटेड थे, वो जो उसकी पीस पॉलिसीज थी उन्हीं सबसे रिलेटेड थे, ठीक है। और उसमें ज्यादातर एडिक्ट में इन्होंने ये अपने आप को बोलते थे देवम पिया और या फिर किंग पियादसी, तो ये भी अगर पूछा जाए कि किंग पियादसी किसको रिफर करते हैं, अशोका को ही रिफर करते हैं ये। अपने जो भी एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन होते थे उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे ज्यादातर, जो ईस्ट में लिखी जाती थी, ईस्ट में जो मौर्य के पार्ट था, ठीक है, और प्लस वेस्ट में खरोष्ठी और वो प्राकृत में लिखी जाती थी। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसको डिसाइफर किसने किया था, जेम्स प्रिंसिप ने, ये जरूर याद रखिएगा। 33 इंस्क्रिप्शन है टोटल, मेजर रॉक एडिक्ट, पिलर और माइनर। फिर एक क्वेश्चन था कि इंडस का कितना परसेंट वाटर इंडिया यूज करती है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी है जिसमें कि IJCRBS है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंडस की नॉर्थ से लेके साउथ तक की ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो IJCRBS, तो ये IJC जो है ये वेस्टर्न रिवर्स है, ये पाकिस्तान के अंडर में आती है, RBS यानी कि रावी ब्यास सतलुज, ये इंडिया के अंडर में आती है, और इंडिया जो है इंडस का 20% वाटर यूज करती है, ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा कि ये चाइना का बॉर्डर अगर पूछा है सिर्फ, तो चाइना का तो मंगोलिया के साथ सबसे ज्यादा है, अगर इंडिया का पूछेंगे कि इंडिया का सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है आपका लैंड बॉर्डर किससे शेयर करता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पे चाइना है, वो मैं बता चुका हूँ कई बार। फिर ये क्या एलोकेशन था बजट का, बजट का एलोकेशन था 24 लाख करोड़ का इस बार था 2018-19 का, और इससे पहले का देखिए ये 20 लाख करोड़ था समथिंग, और जो एस्टिमेटेड आप लगा रहे हैं ये उस हिसाब से ये करीबन 22 लाख हो गया था। तो जो अभी इस बार अभी बोला गया 2018-19 का वो कितना है, 2 लाख 40, सॉरी 24 लाख करीबन है, 24 लाख करोड़। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जब दो बॉडी बीच में एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है स्लाइड करती है, या फिर अगर मान लीजिए देखिए दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, ये एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एक होता है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब है जब वो मूव कर रही होंगी, स्टैटिक मतलब कि जब वो एक दूसरे पे, एक बॉडी दूसरे पे एग्जिस्ट कर रही है, लाई कर रही है, मतलब स्टे कर रही है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था I3 प्रोसेसर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चल पाया, जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो बता दीजिएगा। उसके बाद है देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब पूछा था इसमें, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि गवर्नमेंट जो है पैसा खर्चा ज्यादा कर लेती है, इनके पास पैसे उतने आते नहीं है, तो जब खर्चा ज्यादा कर लेंगे तो उसको फिर कहाँ से चुकाएंगे, तो बस उसी लिए होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, या तो उसको उसके लिए नई मनी प्रिंट कर देते हैं, और या फिर वो बोरो कर लेते हैं, बॉन्ड वॉन्ड जारी कर देते हैं, तो ये सब आए थे। एक क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन से था, एक क्वेश्चन था आपका यूनियन टेरिटरी से, ये मैं नहीं समझ पाया कि क्वेश्चन क्या था। देखिए मैं यूनियन टेरिटरी और प्लस स्टेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। एक देखिए यूनियन टेरिटरी अगर एरिया वाइज सबसे बड़ी बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार है, और सबसे छोटी है आपकी लक्षद्वीप, ठीक है, तो नंबर 1 पे एरिया वाइज अंडमान एंड निकोबार, और सेकंड नंबर पे दिल्ली है, और सबसे छोटी है लक्षद्वीप।
लार्जेस्ट स्टेट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। देखिए उससे पहले एक ये चीज देख लीजिए, ये हमारा ओनली एसएससी एग्जाम ग्रुप है, इसमें मैंने जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे वो मैंने सीएचएसएल के सब इसमें कर दिए हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओनली एसएससी एग्जाम्स वाला जो चैनल है यही ज्वाइन करना है, ये वाली पीडीएफ भी आपको यही मिल जाएगी और प्लस और भी जितनी पीडीएफ है सब कुछ यहीं पे मिलेगा, ये सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड ग्रुप है ये। तो देखिए ये एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है आपका गोवा, ठीक है। तो एरिया वाइज अगर स्टेट पूछेंगे तो कौन सबसे बड़ा है, राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा, और यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो अंडमान निकोबार, सबसे छोटी लक्षद्वीप, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप एरिया ये सॉरी यहाँ पे पॉपुलेशन होना चाहिए, तो पॉपुलेशन वाइज ये गलत लिख गया, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली में और सबसे कम पॉपुलेशन है आपकी लक्षद्वीप में, 64,000 है करीबन, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कहाँ पे, दिल्ली में करीबन 2 करोड़ के आसपास है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट है आपका सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था डांस से, डांस का ये एग्जैक्टली नहीं समझ में आ पाया कि क्या क्वेश्चन था, प्लीज आप लोग कंफर्म करिएगा जिन लोगों ने एग्जाम दिया हो। एक्चुअली क्लासिकल डांस अगर आप पूछेंगे जिनको रिकॉग्नाइज करती है संगीत नाटक अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो तो 8 होते हैं, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक है नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया से, कथक के लिए केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, उड़ीसी है उड़ीसा से, सत्रिया है असम से, मणिपुरी है मणिपुर और मोहिनी अट्टम है केरला से। द्रोणाचार्य अवार्ड से रिलेटेड एक पूछा था ये जो कोच खेल को मिलता है ये एग्जैक्टली बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, देखिए जो मैंने पूरे स्पोर्ट अवार्ड बताया उसमें सब कुछ बताया हुआ है, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी नेशनल अवार्ड सब कुछ उसमें, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न सॉरी, और प्लस अर्जुन अवार्ड सब कुछ बताया गया, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए सिर्फ यही ज्वाइन करना है ओनली एसएससी एग्जाम, सब कुछ यहीं पे मिलेगा, वीडियो पीडीएफ सब कुछ, और सब फ्री है। ये कुछ अमेंडमेंट की लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट वाले बता दे रहा हूँ। 52 सेकंड वाला जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है 61 वाला, इसमें एज वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी 21 से 18, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ था ये भी जरूर याद रखिएगा, 73rd वाला हुआ था पंचायती राज के लिए, 74th वाला हुआ था आपका म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज के लिए। यहाँ पे पार्ट 9 जोड़ा गया था, यहाँ पार्ट 9A जोड़ा गया था, यहाँ पे 11th शेड्यूल जोड़ा गया था, यहाँ पे 12th शेड्यूल जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पे 29 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 18 सब्जेक्ट है, ये सब मैं बता चुका हूँ कई बार। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है आपका ये पूरी तो मैं लिस्ट दे रहा हूँ, एक 86 अमेंडमेंट है 2002 में हुआ था, इसमें क्या किया गया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, और वो है आर्टिकल 21 में। और 0 से 6 साल तक वाले में डीपीएसपी में ट्रीट किया जाएगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी पेरेंट की कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये 51A में जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद है आपका 89th वाला, इसमें जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था उसको दोनों अलग अलग बॉडीज में कर दिया गया था, आर्टिकल 338 में एनसीएससी है और आर्टिकल 338A में एनसीएसटी है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं बता रहा हूँ सिर्फ अभी, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 97th अमेंडमेंट में पार्ट 9 भी जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ दी गई थी। और 100 वाला जो है आपका 100 वाला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, 101 वाला जीएसटी था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ये आप याद रखिएगा। जीएसटी को लागू करने वाला पहले स्टेट का नाम बताइए जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कुछ आप भी बताइए। 123rd जो अमेंडमेंट है आपका एनसीबीसी के लिए, ये अभी है, अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया गया है, मतलब अभी चल रहा है ये, इन प्रोसेस है ये लोकसभा और राज्यसभा में। ईडीएम्स आए थे ये कुछ आपकी लिखी हुई है, और प्लस ये कुछ सिनोनियम एंटोनियम आए थे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी आप देख लीजिएगा, प्लस मैथ के क्वेश्चन भी है मेरे पास कुछ एग्जैक्टली अभी अभी सब मिले, जो मैंने मिले यहाँ पे मैंने रख दिया है, ठीक है। पीडीएफ भी मैं यहीं पे दे रहा हूँ, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। एक चीज मैं और बता दूं, देखिए इस वीडियो पे अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैं एसएससी स्कैम के प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लगातार मैं ट्विटर पे बोल रहा हूँ और यहाँ भी मैं लोगों से बोलता हूँ साफ साफ। देखिए जिन लोगों का एग्जाम हो जाए, अब अगर एग्जाम चल रहा है और एग्जाम की एनालिसिस भी नहीं करेंगे, अगर हर चीज अगर आप प्रोटेस्ट पे हिला देंगे तो कैसे चलेगा। देखो एग्जाम तो लोगों ने देना बंद किया नहीं है, ठीक है, तो एग्जाम लोग दे रहे हैं और जब तक कैंसिल नहीं हो रहा है तब तक तो एग्जाम आप देंगे ही। अगर मान लीजिए कैंसिल या पोस्टपोन हो जाता है तब तो अच्छी बात है कि सब लोग एक जगह जुट एकजुट हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक मैं एनालिसिस दूंगा। मैं ये अपील करूंगा सबसे कि जो लोग यहाँ पे एग्जाम दे लें उसके बाद वहां पे हमारे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी वाले लोग उनके साथ जाइए। मैं भी आज कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आऊंगा वहां पे पूरी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं शाम को जरूर आऊंगा और वहां से लाइव भी करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीएचएसएल की
चार मार्च की पूरे दिन की एनालिसिस देख लेते हैं। पहला पार्ट में मैंने सिर्फ पहले शिफ्ट की बताई थी, कुछ और क्वेश्चन आए सेकंड और थर्ड शिफ्ट के, वो भी देख लेते हैं इसमें। और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ओनली एसएससी एग्जाम्स में। देखिए ये कुछ फुल फॉर्म आए थे, एक आया था आपका एसएमटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्लस कुछ और लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ आपके ये जो टेलीग्राम में मैंने ग्रुप बनाया चैनल, इसको आप देख लीजिए, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए इसको। ओनली एसएससी एग्जाम्स वाला ग्रुप है ये, इसका एड्रेस ठीक है, कल ही मैंने बनाया है शाम को ये, और इसमें आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। सीएचएसएल की प्लस सी, ये सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा, ये वाली पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। फिर ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन आया था, चाइना किसके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ये तो मंगोलिया है मैंने बताया था। अच्छा अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया जो आपकी बाउंड्री है सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है, देखिए ये इंडिया की पूरी बाउंड्री लिस्ट दी हुई है। एक ट्रिक होती है, बचपन में एमबीए किया, बीए से हो जाएगा बी बांग्लादेश, यानी कि इंडिया बांग्लादेश की जो बाउंड्री है सबसे ज्यादा है ठीक है, 4097 किलोमीटर, इसको बीएसएफ गार्ड करता है। फिर ची सी एच हो जाएगा बीएसीएच, यानी कि बचपन, तो बच से हो जाएगा चाइना, चाइना सेकंड नंबर पे आ गया, आईटीबीपी इसको बॉर्डर करता है। पन से हो जाएगा पाकिस्तान, और थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे नेपाल, पाकिस्तान की थर्ड नंबर पे बीएसएफ गार्ड करता है, नेपाल की फोर्थ नंबर पे सशस्त्र सीमा बल गार्ड करता है। फिर एमबीए हो जाएगा आपका म्यांमार वाला बॉर्डर हो जाएगा असम राइफल्स, और फिर भूटान हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल, और अफगानिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये है इंडिया की बाउंड्री, अगर आगे आपके आ जाए तो आप उसको बता देंगे। अब मैं एनालिसिस ऐसे ही करता हूँ एक्चुअली, सीजीएल में भी मैंने काफी सारी ऐसी एनालिसिस की थी, और काफी शिफ्टों में आपको क्वेश्चन मिल जाते थे ये, इसीलिए ये सब चीजें। बेकेलाइट को क्यों यूज करते हैं, देखिए बेकेलाइट को यूज करते हैं इसकी ये नॉन कंडक्टिव होता है और हीट रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इसको इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है, देखिए फ्रिक्शन तो वो फोर्स है जो अपोज करेगा मोशन, अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उनके बीच में कोई मोशन ना हो, ऐसे ही है फोर्स या फ्रिक्शन। अब एग्जैक्टली नहीं समझ में आया कि मैं क्या ही पूछ रहा है, बहुत सारे देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, प्योर रोलिंग होती है, बहुत कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे बचपन में, एग्जैक्टली यही है इसमें। और एग्जैक्टली आप बताएगा क्या पूछा गया था। दचगम नेशनल पार्क कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसकी मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप उसको ये देख लीजिएगा ठीक है, ये मैं एक लिस्ट बना के पीडीएफ दे रहा हूँ, ये वाले जरूर देख लीजिएगा, कुछ काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये वाले क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं जैसे बंदीपुर नेशनल पार्क है ये कर्नाटक में, जो अगर किस किस लिए फेमस है ये भी पूछ लेते हैं ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये है आर्टिकल नंबर 368, इस पे मैं पूरा चैप्टर ही बता चुका हूँ लक्ष्मीकांत का। जो लोग हमारे वीडियोस फॉलो करते रहते हैं अगर उन्होंने सीएचएसएल का एग्जाम दिया तो काफी सरल एग्जाम लगा होगा, कम से कम जीएस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगा ही होगा इसमें। इतना इसमें ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये मैं डेफिसिट पे पूरा एक वीडियो भी बना चुका हूँ, चार टाइप के डेफिसिट का हमने डिस्कशन किया था। बजट डेफिसिट के आय का मतलब हो गया आपका ये इनकम, और व्यय का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर। बजट डेफिसिट का मतलब हो गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन वो तो इंडिया में जीरो होता है। फिस्कल डेफिसिट देखिए, अब अगर मान लीजिए बजट डेफिसिट जीरो है तो फिर कैसे ये पता चलेगा कि सरकार कैसा काम कर रही है, उसी के लिए होता है बजट डेफिसिट। और ये होता है बजट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, मतलब बजट डेफिसिट में अगर आप मार्केट बोरोइंग कर दो कि सरकार ने कितना पैसा उधार लिया है, वही होता है फिस्कल डेफिसिट। शॉर्ट टर्म लोगे तो आरबीआई से उसको बोलते हैं मोनिटाइज डेफिसिट, लॉन्ग टर्म आप लोगे तो अदर सोर्सेस से उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब हो गया फिस्कल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो, और रिवेन्यू का मतलब वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, और इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट जो है ये रिवेन्यू डिफिसिट माइनस अगर आपने जो भी ग्रांट दी है कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए उसको आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट। 2011-12 से स्टार्ट हुआ था, 2012-13 से मतलब स्टार्ट हुआ था, सर्कुलर मोशन में सुबह बता चुका हूँ कौन कौन से इनमें से द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं जीते, ये वाली लिस्ट आई थी। देखिए द्रोणाचार्य की पूरी लिस्ट है ये, 2017 वाले तो आप देख लीजिए, आर गांधी जीते हैं, हीरानंद कटारिया जीते हैं, जीएस एसवी प्रसाद, ब्रजभूषण मोहंती आर्य, पीएआर राफेल, ये लोग जीते हैं इसमें। और द्रोणाचार्य अवार्ड एक्चुअली कोच के लिए दिया जाता है ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न वाला, ये सब मैं पूरा बता चुका हूँ जो स्पोर्ट अवार्ड है, आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को एक बार। इसके बाद है कौन सा पार्ट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन टेरिटरी के बारे में आपका बात करता है, ये मैं वैसे बता चुका हूँ, संविधान का वीडियो मैंने बनाया था पुलिस एग्जाम्स के लिए, उसी से क्वेश्चन आए 3-4 लगातार। देखिए ये पूरे पार्ट की लिस्ट है, पार्ट नंबर तो 22 ही है टोटल। नंबर 1 पार्ट है यूनियन टेरिटरी, और एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी एसएसआईडी,
एसएसआईडी का क्या मतलब हुआ, सेकुलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी और प्लस फंडामेंटल ड्यूटी, ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में जोड़ी गई थी। और जो फंडामेंटल ड्यूटी वो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब जोड़ी गई थी। और ये जो आपका यूनियन टेरिटरी है, ये पूछा गया है इसमें किस में आएगा, किस भाग में आता है, किस पार्ट में आता है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, पार्ट नंबर 8 में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर याद रख लीजिएगा, जैसे पार्ट 9 है पंचायत के लिए, पार्ट 9A है म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, और पार्ट 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पार्ट 14 है ट्राइब्यूनल्स के लिए है, पार्ट 17 है इमरजेंसी प्रोविजन, और पार्ट 20 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब जरूर याद रखिएगा। पार्ट 18 वाला है आपका इमरजेंसी प्रोविजन, और पार्ट 17 लैंग्वेजेस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल्स भी दिए हुए हैं, मैंने एक बार कर लीजिएगा थोड़ा सा रिवीजन, मैंने इसे शेड्यूल में काफी कुछ बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो काफी कुछ आपको ऐसे ही पता होगा। 12th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है। अच्छा बताइए, 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कई बार बता चुके हैं अभी लोग, 12th वाले शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट होते हैं। और 10th शेड्यूल जो है ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। 9th शेड्यूल है आपका जमींदारी लॉ को, देखिए वो एबॉलिश कर रहे हैं, तो काफी सारे फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे थे, इसीलिए सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था वो 9th शेड्यूल को ऐड करके ही किया गया था। 8th शेड्यूल में आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है ये। ठीक है, 7th शेड्यूल आपका लिस्ट है, ये 3 टाइप की, यूनियन स्टेट कंकरेंट। और 6th शेड्यूल में आपके जो आप देखिए, 5th और 6th शेड्यूल में एक्चुअली शेड्यूल्ड एरियाज का मैनेजमेंट है। 5th वाले में जो पूरे वैसे एरियाज हैं जो ये एएमटीएम को छोड़ के, 4th वाले में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा है, और 3rd वाले में आपका ओथ्स है, 2nd वाला है आपका सैलरी, और पहला वाला है यूनियन और टेरिटरी नाम वाम जो भी बदलते रहते हैं। बहादुर शाह को किसने मारा था, ये क्वेश्चन आया था। वैसे तो अगर देखें तो बहादुर शाह को मतलब वैसे मारा नहीं था किसी ने, वो नेचुरल डेथ से मरे थे, और एग्जाइल में उनको दे दिया गया था रंगून ने, तो उसी लिए और उनके बेटों को मार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा है, देखिए ये मैंने पूरे फादर लिख दिए हैं यहाँ पे, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा पूरे। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंडिया में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है, और पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के हैं ये। वी कुरियन जो है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर है, बाकी नाम लिखे हुए हैं आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, उसके बाद है एक क्वेश्चन आया था ऑनकोलॉजी, तो ये स्टडी से रिलेटेड बहुत काफी सारी जीके पूछी जाती है, इसीलिए मैंने पूरी स्टडी वाली लिस्ट भी दे दी है। थोड़ा सा आज मुझे तकलीफ में हूँ, मैं इसलिए पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, वेरी सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, और लेकिन फिर भी मैं लेटर लेटर बना तो दिया ही मैंने, ये PDF आप लोग ले लीजिए, इसीलिए मैं टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, टेलीग्राम में 1 मिनट, देखिए ये है टेलीग्राम वाला चैनल, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं यहीं पे PDF दे दे रहा हूँ पूरी कंप्लीट। उसके बाद फिर ये है आपका, ये काफी मैंने बनाया है, काफी सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इसको बड़ा काम आएगा, ये सब CGL में भी बहुत काम आया, इसमें भी काम आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड भी मैं इसी में है। और देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आया था, कहाँ कहाँ होते हैं, ये एक्चुअली मैंने टेस्ट लिया था उससे, आप बोल सकते हैं उसी से क्वेश्चन है ये। जैसे ईस्ट अफ्रीका में होते हैं सवाना, ब्राजील में होते हैं कंपोस, वेनेजुएला में होते हैं लानोस, टेम्परेट वाले होते हैं अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रायरी, साउथ अफ्रीका में फेल्ट, सेंट्रल एशिया में स्टीप, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। फिर ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंने ढूंढ ढूंढ के बनाया है एक्चुअली, कई बार ये रिटायरमेंट एज पूछ लेते हैं बहुत सारी बॉडीज की, तो वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। CEC का मतलब हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 6 साल तक रह सकते हैं या फिर 65 साल इनकी मैक्सिमम एज होती है। ओम प्रकाश रावत जी है करंट CEC। CIC का मतलब हो गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ये 5 साल या फिर 65 साल तक रह सकते हैं, जो भी पहले पड़ेगा। आरके माथुर है इस समय प्रेजेंट CIC। 65 साल की एज किसके किसके लिए होती है, जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर जनरल, ये ठीक है। अच्छा कैग बताइए जल्दी से कौन है इस समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी आपके ये मेंबर्स होते हैं UPSC के, वो सभी 65 साल तक रह सकते हैं। 62 साल तक जो एज होती है हाईकोर्ट की, एडवोकेट जनरल की, जैसे आपका अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है एडवोकेट जनरल। और 62 साल होती है ये जो भी स्टेट के लोक सेवा आयोग होते हैं उसकी, उसके मेंबर्स की। 35 साल किसकी किसकी होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की। 30 साल होती है
एमपी राज्यसभा का बनने के लिए और या फिर एमएलसी बनने के लिए 25 साल होती है, एमपी लोकसभा का बनने के लिए या फिर एमएलए बनने के लिए 21 साल होती है, शादी की जो मेल होती है उनके लिए 18 साल होती है, फीमेल के लिए 14 साल आपकी होती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए 6 से 14 साल जो आपकी एज होती है उसको अब आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट बन चुकी है। और ये हमारे एक्चुअली एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, 11वीं ड्यूटी भी है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया था। ये दो चीजें जोड़ी गई थी, एक तो फंडामेंटल राइट हो गया बच्चों के लिए 6 से 14 साल तक के, और जो उनके गार्जियन है उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। ठीक है, 0 से 6 साल तक वाले जो बच्चे हैं डीपीएस में ट्रीट किए जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन मेरे दो मुझे मिले, जो देखिए ये एक सीरीज थी 19, 9, 28, 37, 65, इसके बाद वाला नंबर बताना था, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 19 प्लस 9 हो गया 28, 28 प्लस 9 हो गया 37, तो ये लास्ट के 2 का सम है, 102 आएगा इसमें। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक पिक्चर थी पेज पे और अगर उसको जेरोक्स से कॉपी किया तो 75% रहेगी, फिर उसको अगर आपने फर्दर रिड्यूस कर दिया 20% से, कितना परसेंट बचा ओरिजिनल का? यार सिंपल है ये, 0.75 × 0.2 कर लो इसमें, ठीक है 0.15 आ गया, मतलब 15% बच गया इसमें। देखिए कुछ और मैथ्स के क्वेश्चन दीजिए, और एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है हमारा एसएससी ज्ञान, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन दीजिए, आपस में डिस्कस करिए, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करिए, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन बताए जा सकते हैं। कोई नहीं आएगा तो फिर मैं भी आपको बता दूंगा पूरी कोशिश करके जो मेरे से हो पाएगा। ये स्पेलिंग करेक्शन के कुछ क्वेश्चन आए थे, और सिनोनियम इंटोनियम आए थे, इडियम्स फ्रेजेस आए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, और कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, तो ये आज पूरे दिन की है। हालांकि मुझे पता है कि ये काफी सारे क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग है इसमें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन दे पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, और आपकी यहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ये आपका पीडीएफ चाहिए तो ये वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सीएचएसएल की 14 तारीख की एनालिसिस कर लेते हैं, 14 मार्च की। ये वाली पीडीएफ आपको ओनली एसएससी एग्जाम्स वाले ग्रुप में मिल जाएगी, जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसको मिला था? जावेद अख्तर को। पूरे जो हम लोगों ने अवार्ड वाला पूरा एक वीडियो बनाया था उससे डायरेक्टली क्वेश्चन है ये, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है। किसने झरोखा दर्शन को इंट्रोड्यूस किया? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके बाद ये आया था क्वेश्चन, पाकिस्तान कहाँ पे लाई करता है? पाकिस्तान अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे लाई करेगा? देखिए इंडिया अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट में लाई करेगा। ठीक है, वेस्ट में नहीं है ये, वेस्ट तो एकदम ही इधर हो गया, नॉर्थ वेस्ट में लाई करेगा अगर आप इसमें देखेंगे ये। ठीक है, उसके बाद जो है अगर देखिए पाकिस्तान लाइज इन, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इंडिया के रेफरेंस में ही पूछ रहा होगा, तभी नॉर्थ वेस्ट ही होगा ये। उसके बाद है फ्लोरिड का अपोजिट पूछा था, फिर आपका ये स्पीड, ये स्पेल्ड मतलब पूछा था स्पेलिंग इसकी सही है कि नहीं, मिडिवल हिस्ट्री आपने कितने बार सुन रखा होगा, अनस्क्रेपुलस की स्पेलिंग पूछी थी, फिर कौन सी टाइप की जो इशू है वो आपकी किडनी में लाइनिंग करती है वो यहाँ पे दिया गया है, एक्सेलरेशन पूछा था, फोर्स दिया हुआ था वहां पे। ठीक है, मास दिया हुआ था, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद है कौन सा आर्टिकल जो है स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को, वो तो 370 है, इतने बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार टेस्ट सीरीज में मैं पूछ चुका हूँ ये चीज। रिट्स जो होती हैं कितने टाइप की होती हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोररी, एक रिट का मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, वो मैं अभी आपको शेयर कर दे रहा हूँ ओनली एसएससी एग्जाम से, उसमें देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीजीएल में ये वाले जो क्वेश्चन है ये रिट्स वाले डेली आते थे ये, इसीलिए मैंने कहा है कि जो सीजीएल वाली एनालिसिस है ना वो आप देखिए जरूर, और वो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो है हरिप्रसाद चौटाला, ये फ्लूट प्लेयर हैं फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, अभी मैंने परसों ही एक वीडियो दिया था एग्रीकल्चर डेटा का, उसमें बताया था कर्नाटका है लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, रबर का प्रोड्यूसर है केरला, बहुत सारे जितने भी इंडिया में टॉप जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हैं सबके लिस्ट दिया हुआ था, ये आप देख लीजिएगा, उसको जरूर जरूर देख लीजिएगा। फिर ये है कि किसने इनॉग्रेट किया था, ये आपका कोल इंडिया ये लिमिटेड का, ये एग्जैक्टली नहीं समझ में आया कि ऐप का ये है ये। ठीक है, ये दो है ये। उसके बाद आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया निकालना है सेमी सर्किल का, रेडियस दी हुई है, देखिए टोटल सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस दी हुई है तो एरिया सर्किल सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई टू कर दो। फिर ये है कि दो व्हीकल ये है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इनकी स्पीड दी हुई है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो आपकी ऐड हो जाएगी यहाँ पे, और डिस्टेंस आपको निकालनी है 1 सेकेंड बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें कि तो ये अगर आप देखें, देखिए इसमें रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि देखिए दोनों ये जो है आपकी, पहली बात तो बस ये है कि
आपको यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है टाइम, तो फिर आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रिलेटिव में अपोजिट है तो दोनों ऐड हो जाएगी, यानी कि 88 + 38 हो जाएगी स्पीड, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 88 + 38 कितना हो गया आपका, 126 हो गया ये, इंटू 5/18 कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 × 5 यानी कि 35 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, और 1 सेकंड पहले आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी कि टाइम कितना हो गया 1 सेकंड, तो ये हो गया आपका आंसर 35, यहाँ पे किलोमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर होगा। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको बताना है, अगर 37.5% डिस्काउंट दिया गया है, मार्क प्राइस इतना है, देखिए मार्क प्राइस इतना है और 37.5% का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0. कितने से, 1 माइनस आप कर दो, 1 - 0.375, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कौन सी कंट्री ने 2017 में हेल्थ मिशन के लिए ये किया गया है, साइन किया है, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन थे ये बता दीजिएगा आप। फिर ये एक वैल्यू निकालनी है आपको, 3√243 + 2√727 - 512, ये अंडर रूट है तो ये सिंपल सा हो जाएगा, ये देखिए 7 × 7 × 7 हो जाएगा, यानी कि 21√7 आ जाएगा ये, और प्लस 3 × 3 × 3 यानी कि 2 × 3 प्लस 6√3 आ जाएगा, और -512 इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है ये, नहीं मुझे ये एग्जैक्टली नहीं समझ में आया, क्या ये पॉइंट में वैल्यू निकालनी थी कि कैसे निकालनी थी, कि अंडर रूट में सिंप्लीफाई करके दिया हुआ था। फिर उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, मास नंबर आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। कौन सा एग्जाम्पल है इसमें इंटर माउंटेन प्लेटू का, ये है आपका तिब्बत प्लेटू, ठीक है। इंटर माउंटेन प्लेटू क्या होते हैं, प्लस और भी बहुत सारे टाइप के जो प्लेटू होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ ऐसे कई बार। उसके बाद है फिर ये एक आपको देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, मास और वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv², दोनों फॉर्मूले में रख दीजिए आ जाएगा आंसर। कौन सा वर्क है जो आपका सल्तनत पीरियड में किया गया था, ये अच्छा ये ऑप्शन क्या क्या थे ये नहीं समझ में आया, आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस और कौन कौन से ऑप्शन थे, तो ये है, ये देखिए ये एक्चुअली क्या क्या कौन कौन सी इमारत है, और किसके किसके टाइम पे बनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट जी के आपके लिए लाए हैं, अजीत जी ने पीडीएफ बनाई है ये। तो आपकी मस्जिद जो है कुव्वतुल इस्लाम, वो आपकी बनी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, कुतुब मीनार आपका बना था कुतुबुद्दीन ऐबक और प्लस इल्तुतमिश दोनों के टाइम पे स्टार्ट किया था, फिर इल्तुतमिश ने उस पर और ज्यादा कंस्ट्रक्शन करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश का मकबरा बनाया था इल्तुतमिश ने, सॉरी ये 1 मिनट, फिर ये पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसको पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। किस कंट्री को मार्क किया गया मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू गो है आपका, तो ये देखिए एग्जैक्टली ऑप्शन तो नहीं पता है इसमें कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा मैं कंफर्म करके बताता हूँ, मैं इसमें टेलीग्राम में बता दूंगा। इसमें एक बजट से क्वेश्चन आया था, प्लस आपका एटॉमिक मास पूछा गया था ड्यूटेरियम का, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था कि कौन सी गैस रिलीज होती है जब इथेनॉल मिक्स करते हैं आप सोडियम के साथ, उसके बाद है सोडियम एथोनेट और हाइड्रोजन, फिर ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान पूछा गया था। देखिए ये जो नेबर कंट्री वाले हैं, ये एक वीडियो बना चुका है अजीत, और उसमें नेबर कंट्रीज की जो आपकी भाषा कौन सी है, प्लस कैपिटल कौन सी है, ये सब चीज़ें हम लोग बता चुके हैं उसमें, आप वीडियो देख लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन था, वो मैं बता ही चुका हूँ, कृष्णा सोबती, ये सब हम लोग अवार्ड्स वाले पीडीएफ में काफ़ी सारे डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे जो हमारे करंट अफेयर्स और जीके से हैं। एसएससी सीजीएल वाली जो है सीरीज, वो आप जरूर देख लीजिएगा, अभी भी नहीं देखी हो तो। पूरी प्लेलिस्ट जो है मैं ओनली एसएससी एग्जाम्स वाले जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कर दे रहा हूँ शेयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 मार्च तक के ये हैं ये, और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, प्लस जीएस के हैं, प्लस आपके रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन हैं। देखिए मैं एनालिसिस कर नहीं पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे पास काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ मैं, और यूपी पीसीएस के लिए काफी सारी चीजें मैंने कर रखी हैं, लेकिन मैंने फिर भी पीडीएफ शेयर कर दी थी। अगर आप देखे होंगे ये जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसमें मैं पीडीएफ लगातार शेयर कर रहा हूँ, प्लस जो क्वेश्चन है लगातार आपको इसमें मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए आपको एनालिसिस ना भी मिली तो भी अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन तो लगातार मिल रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, H2A+B+C दिया हुआ है और B2A+C दिया हुआ है, आपको ए और B2C का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, देखिए बी और A+C का ये दिया हुआ है, यानी कि A+C को बी के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, तो A+C को B के फॉर्म में लिख के यहाँ पे अगर आप डाल देंगे इसकी वैल्यू,
तो ये बी के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, तो यानी कि एज टू बी आ जाएगा इससे पूरा। जब एज टू बी आ गया तो फिर ए को फिर आप बी के फॉर्म में लिखेंगे और यहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ए को बी के फॉर्म में लिख के फिर यहां से वैल्यू निकल आएगी बीज टू सी, एज टू बी आ गया, बीज टू सी आ गया, तो आपका एज टू बीज टू सी आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये। दूसरा वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि दो बार वही वही चीजें लिखी हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे। अगर आप एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देंगे तो फिर इसको एवरेज वाले क्वेश्चन में देखिए, एक ही चीज बस आपको याद रखनी है कि सम इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर, उसी से सब हो जाता है। हम लोगों ने बहुत सारे बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं इस पे। ये कुछ दो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करने डायरेक्टली, ठीक है। ये तो वैल्यू वाले हैं ये। अगर आप ये फिफ्थ क्वेश्चन पे जाएं तो बोल रहा है रेक्टेंगल में आपको एक लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। अब उसको 10% आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया, कितना 8%, तो एरिया कितने परसेंट होगा। अब देखिए लेंथ अगर 10% हो गई इंक्रीज, तो यानी कि पहले एल थी तो फिर क्या हो गई 1.1 L हो गई, ठीक है। और ब्रेथ अगर 8% हो गई तो पहले बी थी तो फिर क्या हो गई 1.08 B हो गई, तो एरिया क्या हो जाएगा 1.1 × 1.08, और बस यही हो जाएगा आपका इंक्रीज, ठीक है। तो 108 108 आप ऐसे लिखो तो ये कितना आएगा 8811, यानी कि 18.8% एरिया बढ़ जाएगा, ये आप याद रखिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि 5 साल पहले ए की एज थी बी की 5 गुना। मान लो देखो ए बी सी डी चार लोगों की यहाँ पे एज का डिस्कशन कर रहा है, फाइनली सी का पूछ रहे हैं। तो ए की इस समय ए है, बी की इस समय बी है, सी की इस समय सी है, डी की इस समय डी है, ये मान लो। अब चार इक्वेशन ये लोग बोल रहे हैं वो बनाते जाओ आप। क्या कह रहा है कि 5 साल पहले ए की एज थी 5 गुना B से। इस समय देखिए अगर ए की एज ए है और बी की बी है तो 5 साल पहले ए की कितनी होगी, ए माइनस 5, और ये क्या दिया हुआ है 5 × B − 5 पहला इक्वेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है इसमें कि जो आपकी बी की एज है वो 3.3 × 7 है सी की प्रेजेंट में, मतलब बी इज इक्वल टू क्या दिया है 3C/7। फिर ये देखिए फिर आगे चलिए तो फिर क्या दिया हुआ है, ए इज 3 ईयर्स मोर देन डी, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या दिया है C+3, और फिर आपको डी इज इक्वल टू क्या दिया है, डी इज इक्वल टू 2 × B, यानी कि डी इज इक्वल टू 2B। तो ये चार इक्वेशन चार अननोन, इससे आपकी सी की वैल्यू निकल आएगी। फिर ये कह रहा है कि आपको 7th क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 6000 रुपए हो जाते हैं 6900 3 सालों में, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 900 रुपए हो गया, ठीक है 900 रुपए हो गया आपका, तो 3 सालों में है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हर बार वही रहता है, तो यानी कि हर साल इसको कितना मिला 300 रुपया मिला इंटरेस्ट, 300 रुपया इंटरेस्ट मिला 6000 रुपए पे, तो ये कितना उसका परसेंट है, सिंपली निकाल लो यार, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। इंटू कर दो डिवाइड बाई 6000 × 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया, 6 5 30 5% हो गया इसका आंसर। फिर देखिए ये दो क्वेश्चन बहुत ट्रिग्नोमेट्री के घुमाने के लिए दिए हैं, ऐसा उसमें कोई खास नहीं है। अब देखो कॉट 10 दिया है, कॉट 10 × cot 20 × cot 60 × cot 70 × cot 80, ये देखिए कॉट 10 को आप लिख सकते हो tan 90 − θ, ठीक है सॉरी कॉट 90 − θ, तो ये क्या हो जाएगा tan 80 हो जाएगा, तो ये और ये आपके इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। कॉट यहाँ पे कॉट 10 जो है वो ये एक्चुअली tan 80 हो जाएगा, तो tan 80 और cot 80 हो जाएगा 1। वैसे ही cot 20 जो है वो tan एक्चुअली आपका कितना हो जाएगा tan 70 हो जाएगा, तो tan 70 into cot 71 हो गया, into cot 60 बच गया, बस उसी की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये a प्लस बी इक्वल टू 3 दिया है आपको, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 9 ab की वैल्यू निकालनी है, ये भी सिंपल हो जाएगा, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था क्यूब वाला, एक बार ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस 3 क्यूब वाला, उससे डायरेक्टली हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है आपका एवरेज, बोल रहा है कि 20 नंबर का है 35, अगर एक नंबर को आपने 45 लिख दिया 85 की जगह, तो नया एवरेज कितना होगा। देखो एवरेज क्या होता है आपका, सॉरी एवरेज होता है आपका सम डिवाइड बाई नंबर, तो सम हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, तो यानी कि अभी सम कितना है 20 उनका 20 नंबर्स का 35 × 20 यानी कि 700 है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक नंबर 45 लिख दो 85 की जगह, मतलब 40 कम कर दो इससे, तो 700 में से 40 कम कर दो 660 हो गया,
फिर लेकिन नंबर तो 20 ही रहेंगे, तो डिवाइड बाय 20 कर दो, यानी कि एवरेज आ जाएगा आपका 33। फिर ये वाला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69, इसमें भी देखिए वही है, आप इसको साइन 20 को लिखिए साइन ऑफ 90 माइनस 69, यानी कि कॉस स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69, कॉस स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69 हो जाएगा 1। तो सिंपल वैल्यू है ये भी। SI यूनिट पूछी थी कैपिटल जी की, ये कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी यूनिट की क्या है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये 6.6 × 10⁻¹¹, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई kg स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है वो तो आप जानते हैं, एक्सेलरेशन मास डिवाइड मास पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब देखिए जो एक चीज ये याद रखिएगा, जो जी होता है मतलब ग्रेविटी, वो आपका इक्वेटर पे होता है मिनिमम और पोल्स पे होता है मैक्सिमम, ये जरूर याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आया था आपका पॉपुलेशन का, आया था शायद कुछ कंट्रियों की पॉपुलेशन पूछी गई थी, ये देखिए लिस्ट है, ये पॉपुलेशन में नंबर 1 पे चाइना है और नंबर 2 पे इंडिया है, इस समय नंबर 5th पे है पाकिस्तान, पाकिस्तान की शायद पॉपुलेशन पूछी थी। लार्जेस्ट कंट्री का भी साइज साइज का साइज वाइज देख लेते हैं, देखिए नंबर 1 पे रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएस है, फिर आपका ठीक है, ये चाइना कई जगह दिया हुआ है, एक्चुअली यूएस है 3rd नंबर पे, और 7th नंबर पे है हमारा भारत। फिर कौन सी टाइप की मेडिसिन यूज करते हैं इंडाइजेशन में, ये करते हैं आपकी एंटेसिड जो होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट को कौन चलाते हैं, स्पीकर जो होते हैं आपके, सॉरी पार्लियामेंट को कौन चलाते हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन में ये अगर अगर आपके जैसे लोकसभा में चलाएंगे आपके स्पीकर, ठीक है, राज्यसभा में चलाएंगे आपके वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, उस हिसाब से है ये। एग्जैक्टली ऑप्शन बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन पूछा था एग्जैक्टली। फिर ये है आपका कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगा, एटॉमिक पावर देगा, न्यूक्लियर वाला एक्चुअली है ये, ठीक है। फिर ये कुछ और दो तीन क्वेश्चन दिए थे, चमेरा डैम कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में, किस फाइट के बाद अकबर ने जो है ये आपका गाजी का टाइटल अडॉप्ट किया था, सेकेंड बैटल जो पानीपत का हुआ था उसके बाद, ये एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको मान लीजिए मैं एनालिसिस कई बार बिजी हो जाता हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं तो नहीं भी दे पाऊंगा अगर, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैं तुरंत पोस्ट कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, जैसे जो भी लोग हैं वो लोग अगर मुझे क्वेश्चन भेजते हैं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगातार भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए आप पूरे ये कल क्वेश्चन भेजे गए थे, ये वाला क्वेश्चन जैसे ये आया है कि एक एवरेज निकालना है आपको 1 डिजिट और 2 डिजिट नेचुरल नंबर का, देखिए ये तो सिंपली बेवकूफ बनाने वाली बात होगी, बस 1 डिजिट 2 डिजिट मतलब आप 99 नंबर तक का एवरेज निकाल लो, वही हो गया इसका आंसर, ठीक है। वैसे ही और भी चीजें दी हुई है, देखिए पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, पार्लियामेंट का हेड तो प्रेसिडेंट ही हो गया, अच्छा ये क्वेश्चन था अभी जो हम लोग देख रहे थे, वही एक गाजी वाला जो है वो एक अकबर का आया था और बाबर का आया था, डिस्टेंस दिया था, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये है कुछ क्वेश्चन, और आपको ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें मैं डेली आपको मतलब क्वेश्चन और प्लस जो भी रिलेवेंट चीज है सब यहाँ पे फ्री में मिलती रहती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और एक चीज और, जो सीजीएल वाली एनालिसिस थी मेरी, एसएससी सीजीएल वाली, उसके वीडियो अगर आप अभी भी आपके पास आपका एग्जाम दूर है तो आप एक बार देख लीजिए उसको, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए सीएचएसएल के बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं 10 मार्च के, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ओनली एसएससी एग्जाम्स वाले चैनल में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले चैनल में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ये इसका एड्रेस देख लेते हैं। इसमें देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी गई थी कितनी है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इस समय, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, ये आप याद रखिएगा। फिर आपका ये 1970s में स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे सीजीएल का एक्चुअली क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार आ चुका है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पे जोड़ी गई थी। और फिर देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल में तो बिल्कुल भी नहीं थी, फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी 10, और फिर एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें 11वीं जोड़ दी गई थी, ठीक है। तो 11 ऐसे में इसकी कंसेंट जरूरी है लॉ बनाने के लिए इंडिया में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, और उसके बाद प्रेसिडेंट की भी कंसेंट,
कौन सा जो आपका सिटी है उसको सी पोर्ट के लिए फेमस है? लोथल है ये। महात्मा गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह कब किया था? 1919 में। एक क्रोनोलॉजी वाला मैंने वीडियो बनाया है, काफी पहले बनाया था वो, उससे उसको मैं शेयर कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न इंडिया वाली हिस्टोरिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोल्ड वेव पूछा गया था। इसमें जो ऑप्शन थे उसमें से दिसंबर वाला ही सही है, दिसंबर और जनवरी के आसपास चलती है ये। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा गया था, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एशिया है आपका पॉपुलेशन वाइज भी लार्जेस्ट और एरिया वाइज भी लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीका है, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और अभी जो एक थोड़े दिन पहले ही एक खोजा गया था जीलैंडिया, वो अगर आप उसको भी कॉन्टिनेंट माने, वैसे तो काफी सारे पेपर में निकला था कि वो भी कॉन्टिनेंट की पूरी कंडीशन फुलफिल करता है, लेकिन फिर भी अभी तक वो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। अगर उसको मानेंगे तो वो 8th लार्जेस्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे। 90% से ज्यादा तो उसका लैंड सबमर्ज है, मतलब पानी के नीचे है। क्या रीजन होता है बैलेंस का CO2 और ऑक्सीजन का? वो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। ये इमिशन की एक परिभाषा सी आई थी सिंपल सी। फिर देखिए ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, इनडायरेक्ट स्पीच आई थी आपकी, ठीक है। एंटोनियम आया था टूफले का, सिनोनियम आया था मैस्ट्रो का, फिर ये सेंटेंस रीडिंग वाले आए थे, ठीक है, उसमें फिर ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी थी। ये मैं PDF दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है ये पूछा गया था। ये देखिए ये क्वेश्चन है कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले, देख लेते हैं कि P और Q एक काम करते हैं 8 दिन में। देखिए एकदम सिंपल मेथड है इसमें, LCM वाले से हम लोग निकाल लेंगे, मैंने पहले कई बार यहाँ पे बता चुका हूँ मैं। Q और करते हैं उसी काम को 16 दिन में, और R और P मिल के काम करते हैं 8 दिन में। अब आपको निकालना है तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए पहली बात तो ये कि जो ये 8, 16 और 8 है, इसका आप LCM ले लेंगे तो 16 आ जाएगा, मतलब काम कितना होना है, 16 यूनिट होना है। अब एक दिन का पी और प्लस क्यू का निकाल लेंगे, तो एक दिन का अगर पी प्लस क्यू का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 8, यानी कि 2 यूनिट काम करेंगे। क्यू आर का एक दिन का कितना यूनिट हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 16, यानी कि एक एक यूनिट काम करेंगे ये लोग दोनों मिलके। और आर और पी का एक दिन का काम हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 8, यानी कि 2 यूनिट काम करेंगे। अब अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 2 × P+Q+R हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5। तो यानी कि P+Q+R का अगर एक दिन का काम आप निकाल लें टोटल मिला के इन तीनों का, तो 2 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। अब P+Q+R का एक दिन का टोटल लोग कितना काम कर रहे हैं, 2.5 यूनिट, और करना कितना है, 16 यूनिट। तो 16 डिवाइडेड बाई 2.5 कर दोगे, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आया था कि हाइट 2 सिलेंडर की, देखिए सिलेंडर की पहली बात तो आपका होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ठीक है। अब इसमें हाइट सेम दी हुई है, मतलब h1 = h2 दिया हुआ है, और r1:r3 = दिया हुआ है 1:3। अब वॉल्यूम का आपको रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr² × h1 और डिवाइड बाई πr²² × h2। h1 h2 तो सेम है, r1 r2 की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/9 आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, मार्क प्राइस है एक आयरन का 6800 रुपए, उसमें पहले डिस्काउंट है 12%, फिर 20% है। देखिए कई बार आपने देखा होगा जब आप कोई बोर्ड देखते हैं एडवर्टीजमेंट का, तो उसमें लिखा रहता है कि 50% + 50% डिस्काउंट है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि पूरा वो दे देंगे, इसका मतलब है कि मान लो 100 रुपये प्राइस था, तो पहले उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, फिर जो बचेगा फिर उस पर 50% मिलेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है, 6800 प्राइस था इसका, ठीक है, पहले इस पर डिस्काउंट दिया 12%, यानी कि कितना हुआ, 0.88 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इस पूरे पे डिस्काउंट दिया 20%, यानी कि 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये एक शॉपकीपर है, वो बिग मीडियम और स्मॉल साइज की चेयर बेच रहा है। रेशियो अगर आप टोटल चेयर का देखेंगे तो 8:13:4 है। एवरेज प्राइस बोल रहा है चेयर का निकालना है आपको, देखिए सिंपल है ये, 650 × 8 + 500 × 13, ये वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला होता है जो, +400 × 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 8 + 13 + 4, 8 + 13 + 4, बस इसी को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। एवरेज वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ रहे हैं। ये कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड आएगा, ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी में लिखना है। देखिए ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो NN तो पहला वर्ड पहले देखेंगे तो वो तो चारों में सेम ही है, फिर दूसरे वर्ड पे जाएंगे तो दूसरे वर्ड में आएगा पहले A, अब ये तीनों में सेम है, ठीक है। फिर A के बाद अगर आप जाएंगे तो ये पहले आता है T, ठीक है, तो ये 4 वाला पहले आएगा, फिर U 3 वाला पहले आएगा, फिर बाद में आएगा, फिर आएगा V, तो TUV और ये मतलब 4321 आ जाएगा इसका आंसर। डिक्शनरी वाले जो वर्ड होते हैं उसमें यही देखते हैं कि पहले पहले वाले से कंपेयर करेंगे, फिर
दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले, तो ऐसे करते करते जा सकते हैं इसमें। यही इसमें भी होगा, दो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आए थे। फिर ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सुबह, PMKSY और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, नेपाल का एरिया है, अजीत ने अपने वीडियो में बताया है, एलवीओ भी प्रेजेंट रहते हैं, ये लंग्स में CAG सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कितनी मनी आई थी, ये सब हम सुबह डिस्कस कर चुके हैं। सिनोनिम ऑफ पॉन पूछा गया था, सिनोनिम ऑफ चेस्ट पूछा गया था, चेस्ट चीज, फिर ये आपका कुछ एंटोनियम पूछा गया था, फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले। टोटल रन 3 बैट्समैन के हैं आपके 1584, कह रहा है कि अगर रन स्कोर किए हैं एक्स और वाई ने 4:3 में, ठीक है, और वाई और जेड ने किए हैं, वाई और जेड ने किए हैं 5:3 में। अब इसमें कह रहा है कि आपको एक्स का रन स्कोर निकालना है, इसका मतलब ये कि आपको x:y:z निकालना पड़ेगा पहले। बस x:y कितना दिया है, x:y दिया है 4:3, और y:z कितना दिया है आपका 5:3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वाला टर्म है, ये अगर दोनों में कॉमन हो जाए तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x:y:z का, मतलब जो रेशियो निकल आएगा। इसमें क्या करेंगे, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो x:y क्या हो जाएगा, 20:15, और इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो y:z क्या हो जाएगा, 15:9। तो देखिए अब ये 15:15 आ गया, तो यानी कि x:y:z कितना हो गया, 20:5:9, ये हो गया xyz का रेशियो। अब आपको रन निकालना है एक्स का, एक्स का निकालना है, तो यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 15 प्लस 9, यही तो होगा इसमें। देखिए x:y:z है आपके पास, x का पार्ट 20 है, और डिवाइड बाई आपको पूरा इसका निकालना है रेशियो, तो ये इन तीनों से जोड़ दो तो ये आ जाएगा इसमें आंसर, और प्लस इनटू किससे कर दोगे, 1584, यही है इसका जो रन स्कोर करेगा एक्स। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंथली अर्निंग राजेश और महेश की 9:13 है, और डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो इनका अर्निंग का 20,000 रुपए है। मतलब मान लीजिए अगर राजेश और महेश की 9:13 है, यानी कि इसकी मान लो 9x है, इसकी है 13x, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, 9:13 है डिफरेंस, यानी कि 13x-9x, यानी कि 4x की वैल्यू दी है 20,000 रुपए, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 5,000 रुपए, ठीक है। अर्निंग आपको महेश की निकालनी है, महेश का रेशियो कितना है 13x, 13 × 5 यानी कि 65,000 रुपए है इसकी अर्निंग। फिर ये कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए थे, फीमेल का फेमिनिन है, मेल का मैस्कुलिन होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन आया था, SUMO और PRJL, और फिर टी टैक्सी के बाद क्या पूछा है। देखिए इसमें ये है कि इससे दो पहले वाला ही है, क्योंकि PQRS होगा, फिर RSTU होगा, JKLM होगा, मतलब इसमें दो आप जोड़ो तो पीछे वाला आ जाएगा, यानी कि इसमें से या तो इससे आप दो घटा दो तो ये वाला आ जाएगा, तो ऐसे ही आप इससे दो घटा दो क्या आ जाएगा, Q, क्योंकि Q RST हो जाएगा, और फिर A के पहले क्या आएगा, X, क्योंकि XYZA हो जाएगा, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। ये एक मॉल है, देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा सिंपल होते हैं, बस आपको ये कोऑर्डिनेट पॉइंट लोकेट करने आने चाहिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, बस अब आपको बस जो इसमें बोला जाए वो आप यहाँ से ओरिजिन से रिफरेंस पॉइंट लेके कर लीजिए। कह रहा है कि 250 मीटर दूर है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, 250 मीटर यहाँ से बना लो नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया, ये हो गया मॉल, फिर 250 मीटर स्कूल जो है वो साउथ वेस्ट में है, तो यहाँ से अगर आपने लिया रेशियो तो 250 मीटर साउथ वेस्ट, ये हो गया 250, ये भी हो गया 250। कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम द मॉल, तो ये स्कूल है, ये मॉल है, तो ये इसके साउथ डायरेक्शन में हुआ। बहुत सिंपल है, मैं इसमें ट्रिक बता चुका हूँ कई बार, ठीक है, यही है आज की पूरी एनालिसिस, इसकी PDF मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ओनली SSC एग्जाम। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर, और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताते रहिएगा, कमेंट में कम से कम बता दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 10 मार्च की CHSL के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पास पहली शिफ्ट के, वो देख लेते हैं, बाकी पूरे दिन की जब एनालिसिस करेंगे शाम को तब देखेंगे। देखिए नेपाल का टोटल एरिया पूछा है, मैंने आपको बताया था, अजीत ने भी जैसे वीडियो बनाया था एक, कि जो भी इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं, जितने भी नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, सबका आप एरिया और प्लस जो बेसिक फैक्ट है वो देख लीजिए एक बार, विकीपीडिया से जरूर देख लीजिए, ठीक है, बाकी जो डेटा है वो मैं इसमें शेयर कर दे रहा हूँ ओनली SSC एग्जाम्स में। फिर ये पूछा था एल्वियोली ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये लंग्स में प्रेजेंट होती है, ये बायो का क्वेश्चन है ये, क्या इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको चीजें हैं ये बायो से रिलेटेड, जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, वो फैक्ट मैंने CGL में कराए थे काफी सारे, वो एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैं इसमें अभी ओनली SSC एग्जाम और देता हूँ। CAG सबमिट करता है, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपनी रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है,
ये तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉलिटी का बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सीजीएल में भी आया हुआ है। ये डीमोनेटाइजेशन के बाद कितना परसेंट मनी आया है आरबीआई के पास? देखिए वैसे तो जितना इंडिया में था 99% जो 500 1000 के नोट आ गए थे, अगर ये अमाउंट पे पूछा गया था तो 1.75 ट्रिलियन में ये था, ये ठीक है 1.75 ट्रिलियन। ये देखिए सब दिख रहा है, ये 15.28 ट्रिलियन आ गए हैं, 15.44 ट्रिलियन के मुकाबले में, मतलब ज्यादातर पैसे आ गए थे वापस। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन नहीं पता है कि क्या पूछा गया था। फिर ये फ्यूजिटिव बिल से रिलेटेड, ये तो अभी मानवेंद्र ने बनाया था, अभी हमारे टीम के मेंबर ने, कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल अभी जो पास हुआ है, मतलब इतना लेटेस्ट भी पूछ रहे हैं आपको, फरवरी के एंड तक का भी पूछ रहे हैं ये लोग। आई क्या होता है ये आपका, ये FIU में ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होगा, यानी कि इंटेलिजेंस होगा। आई अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री किससे नहीं शेयर करता है, ये वाला मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ। इंडिया की जो बाउंड्री जितने भी स्टेट है वो किस किस स्टेट से किस किस कंट्री से शेयर करते हैं, सबसे ज्यादा जो आपका स्टेट बाउंड्री शेयर करता है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है स्टेट से। तो ये आप कुछ फैक्ट मैं पहले काफी सारे सीजीएल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संपदा योजना ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने इवन टेस्ट सीरीज में भी पूछा था, काफी सारे क्वेश्चन आए, मतलब देखिए जीके और करंट अफेयर अगर आपने वीडियो देख रखे हैं हमारे तो हो जाएगा काफी कुछ, 25 में से पूरे तो नहीं लेकिन आप करीबन 20 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे, करंट अफेयर्स वाले तो काफी सारे कर लेंगे। संपदा योजना किससे रिलेटेड है, एग्रो प्रोसेसिंग और मरीन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये डिस्कस कर चुके हैं हम। एक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, करंट और वोल्टेज दिया था, नॉर्मल फॉर्मूला होता है जो। डांस फॉर्म का भी मैं लिस्ट बता चुका हूँ, पहले दिन ही बताया था। इक्वेटर किस कंट्री से पास नहीं होता है, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सब बता चुके हैं एक ज्योग्राफी की ट्रिक में, वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ फिर से एक बार। 8-9 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से, ज्यादातर नवंबर दिसंबर जनवरी के, तो लेटेस्ट जो 3 मंथ की ये जरूर देख लीजिएगा आप। सिनोनियम एंटोनियम ये आए थे, स्पेलिंग आया था आपको, डिक्लिनेशन मिलेनिया की, मैथ्स के क्वेश्चन एक आया था जैसे 2 - sin 30, sin 30 होता है 1/2, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर 3/2। पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है काफी सारे क्वेश्चन ये वाले। एक पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड आया था काफी, देखिए जो पाइप और सिस्टर्न वाला है, जो टाइम एंड वर्क वाला है उसमें एलसीएम मेथड यूज करा करिए, काफी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, मैंने बता चुके हैं। टाइम एंड वर्क वाले काफी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट लॉस से आया था और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे, ये भी पहले शिफ्ट की एनालिसिस है, ये मैं इसको पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ, बाकी आपको मिल जाएगी और ठीक है यहीं पे मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक टू शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एसएससी सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th वाले मैंने पहले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, वो बोल रहे थे कि 8 मार्च के हैं, इसमें अभी 9th वाले कुछ लोगों ने भेजे हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स वाला क्वेश्चन है डेली आ रहा है, आज भी आया था कि एक अगर बॉडी स्लाइड करती है एक सरफेस पे तो कौन सी जो फोर्स है वो उसको रेज करेगी, ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स ही करेगी, और ये एक बहुत सारे फॉर्म की होती है। जैसे अगर स्लाइड कर रही है तो वो कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, अगर वो रेस्ट कर रही है तो फिर कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आया था कि जो ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई थी भारतीय संविधान के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो उसने किस लैंग्वेज में इसको ड्राफ्ट किया था। देखिए उस टाइम पे इंग्लिश में पहले किया था, ठीक है, फिर बाद में हिंदी ट्रांसलेशन आया था 1950 में, तो जो ओरिजिनल आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो था इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और फाइनली जो टोटल प्रोविजन थे 26 जनवरी 1950 को, तो आप जानते ही हैं। अच्छा एक चीज और है इसमें कि अगर मान लीजिए हिंदी ट्रांसलेशन में कोई ऐसी चीज है कि वो डिस्प्यूटेड है तो इंग्लिश वाला माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप स्टेट पीसीएस में कभी भी कोई पेपर देते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहता है, तो उसमें भी एक चीज ये लिखी रहती है कि अगर हिंदी में कोई आपको डाउट लग रहा है तो इंग्लिश वाला वर्जन को प्रेफर किया जाएगा, वही चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ये आप याद रखिएगा इसमें। फिर इसमें ये है कि आपका ये क्वेश्चन आया था कि क्या रिप्रेजेंटेटिव, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं, इसमें नहीं मैं समझ पाया, ये अगर आपको बताने पड़ेगा ऑप्शन कौन कौन से हैं। गिर फॉरेस्ट लोकेटेड कहाँ से, गुजरात से। देखिए एक चीज ये है, अभी जो फर्स्ट इंडियन है वो कौन मिस वर्ल्ड जीती थी 2001 में, इस बार जब मिस वर्ल्ड हमारे यहाँ से गई थी मानुषी छिल्लर जी जो हरियाणा से है, उन जब वो जीती थी उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, इंडिया एट 4 इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ बताया था। एक है हमारे यहाँ से मिस अर्थ जो कि 2010 में निकोल फारिया जीती थी, ठीक है। मिस वर्ल्ड अभी तक हम 6 बार जीत चुके हैं और मिस यूनिवर्स 2 बार जीत चुके हैं। मिस यूनिवर्स पहली कौन थी, सुष्मिता सेन थी, और पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, रीता फारिया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसे काफी सारे ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर।
देखिए ये पीडीएफ अभी मैं यहाँ पे ओरियस जैसे एग्जाम्स में दे दे रहा हूँ, 7 तारीख को मैं नहीं कर पाया था शेयर, अभी मैं कर दे रहा हूँ तुरंत, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आया था, पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, ये कितने बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक चीज आप ये समझ लीजिए, एसएससी सीजीएल का जो मैंने एनालिसिस की थी उस टाइम पे, बहुत सारी स्ट्रेटेजी के बताई थी, इतने सारे उस टाइम पे किए थे, वो वाली पूरी अगर आप लोग प्लेलिस्ट भी देख लें तो बहुत सारे जीके क्वेश्चन वहीं से हो जा रहे हैं। करंट अफेयर वाले जो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, ज्यादातर करंट अफेयर वहीं से आ रहा है। देखिए 25 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा एकदम डीप में करके वो पूछ रहे हैं, तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको 100 में से टोटल पे जो कट ऑफ होगा तो वो तो टोटल पे निकलेगा ना। तो अगर आपके 25 में से करीबन 20-22 भी सही हो रहे हैं तो भी ठीक है, 20 के मतलब आसपास भी सही हो रहा है तो भी ठीक है, बाकी सेक्शन पे आप ज्यादा ज्यादा कवर करिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सिनोनिम आया था, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आई थी, ठीक है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, ये वाले पीडीएफ आप देख लीजिएगा पूरी। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आए थे, ये भी क्योंकि एवरेज वाले क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, एवरेज में बस एक फॉर्मूला याद रखना है, सम डिवाइड बाई नंबर, बस सब इसी से हो जाता है। एवरेज की जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, ऑड नंबर की आपको एवरेज निकालना था, इवन नंबर का निकालना था, ठीक है। ये आज आया है कि एवरेज एज ए और बी की 50 साल है, यानी कि ए प्लस बी का जो सम हो जाएगा डिवाइड बाई टू, क्योंकि दो ही लोग हैं ये, इज इक्वल टू हो जाएगा 50, यानी कि ए प्लस बी का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 साल, और बी और सी का एवरेज एज 38, तो यानी कि बी प्लस सी का सम हो जाएगा 38 × 2 यानी कि 76। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस निकालना है ए और सी के बीच में, इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दो, ए माइनस सी कितना हो गया 24, यही हो गया डिफरेंस। बहुत सिंपल सवाल होते हैं ये, बस सम डिवाइड बाई नंबर करना होता है। फिर ये देखिए क्वेश्चन ये कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपने रिसीव किया है 2 डिफरेंट बैंक से, 1200 रुपये का है 3 सालों के लिए, 108 रुपये। अब आपको डिफरेंस निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सिंपल फॉर्मूला है PRT/100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब आपको इसमें निकालना है, सेम है ये, पी तो सेम है, आर अलग है, ठीक है, टी भी सेम है, ठीक है। तो R1 × T, R1 - R2 हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 108, तो सिंपल आ जाएगा R1 - R2, देखिए टी तो सेम ही है, तो 3 / 100 और इंटू यहाँ पे इतना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है ये 108 है, R1 - R2 की वैल्यू से आ जाएगी। सिंपल है फॉर्मूला बेस्ड है, काफी सारे क्वेश्चन सिंपल है, कुछ कुछ में थोड़ा सा जरूर होता है ये कि कैलकुलेटिव होते हैं। फिर ये क्वेश्चन है कि एक होलसेलर है, उसको किसी प्राइस पे मिली, मतलब उसकी कोई ये वॉच की प्राइस थी ओरिजिनल प्राइस, वो हमको निकालना है, ठीक है। उसने 25% पे प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट लगाया अपना और बेच दिया एक रिटेलर को। अब रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर का शायद भी नहीं रहा होगा, तो उसने कस्टमर को 12% लॉस पे बेचा। कस्टमर ने 1045 रुपये पे किया, बताना है इसमें होलसेलर की ओरिजिनल कॉस्ट। मान लीजिए जो होलसेलर था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 100x, भी मान सकते हैं 100x हम मान लेते हैं यहाँ पे। इसने प्रॉफिट किया 25%, यानी कि कॉस्ट इसने कितनी 125x पे बेचा किसको, रिटेलर को, ठीक है। अब इसने बेचा है 12% लॉस पे, यानी कि इसने 12% लॉस पे बेचा, यानी कि 125x इंटू हो जाएगा 0.88, क्योंकि 12% लॉस है, यानी कि इंटू 88/100 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब ये कितना दिया है 1045, इससे एक्स की वैल्यू निकाल लो, यही इसमें पूछा है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि अगर 31% जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डिडक्ट हो गया है, फिर भी आपको 1794 पे करना पड़ रहा है, तो कितना ओरिजिनल अमाउंट था। मतलब ये सीधी सी बात है कि 31% डिडक्ट हो गया है, तो बचा कितना 69%, तो 69% जो है ओरिजिनल बिल का उसकी वैल्यू दी है, यानी कि 69/100 इंटू ओरिजिनल बिल को मान लो एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास, ये एक्स की वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली। यही क्वेश्चन थे अभी मेरे पास, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन शेयर कर दिया करिए, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन शेयर करेंगे उतने हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये वाला जो आपका ग्रुप है ओनली सिक्स एग्जाम्स, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ में इसी में दे रहा हूँ, प्लस बाकी और भी जीके वाली काफी सारी चीजें इसमें दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, एसएससी सीएचएसएल के आज के क्वेश्चन है ये, ठीक है। सुभाष कसोट जी ने ये शेयर किए हैं, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है मैथ्स के हैं मेरे पास, अभी अभी मैं ये शेयर कर दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए पहला ये क्वेश्चन है कि ए और बी है, एक टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में, और बी कितने घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में। अब ये कह रहा है कि दोपहर 2 बजे खोला गया और रात में 2 बजे तक भरना है उसको, 2 बजे तक भरना है, ठीक है। पहली बात तो ये समझिएगा, यानी कि यहाँ पे कितने 12 घंटे लगने हैं टोटल। फिर ये कह रहा है कि ए को कितने घंटे बाद बंद करें कि टंकी 12 बजे तक भर जाए, मतलब पहले तो आपको ये निकालना है कि मान लो ए और बी को दोनों को अगर हम लोग खोल दें
तो फिर वो कितने घंटे मर जाएगी, उसके लिए मैंने आपको बताया एक ट्रिक होती है, एलसीएम वाला मेथड होता है। ए 15 है, बी 20 है, दोनों को एलसीएम ले लेंगे यानी कि 60 आ जाएगा। तो यानी कि 60 यूनिट टोटल काम होना है। अब एक दिन का निकाल लेंगे तो ए का एक दिन का कितना आएगा, 4 यूनिट। बी का एक दिन का आएगा आपका 3 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट होता है एक दिन में अगर ये दोनों मिल के काम करते हैं तो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए दोनों को खुला रहने दिया जाता तो फिर ये कितने घंटे में भर जाती, 60 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, क्योंकि 60 यूनिट काम करना है, 7 यूनिट कर रहे हैं लोग, तो ये कितना आता है, ये करीबन आता है 9 के आसपास, 9 घंटे में कर देता। लेकिन हम लोग को 12 घंटे तक ले जाना है। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल खेल सकते हैं यहाँ पे, ये कर सकते हैं कि मान लो जैसे ये इन्होंने बोला है कि पूरे ऑप्शन लगा के देखे उत्तर नहीं आया, ऐसा नहीं, मैंने देखा एक ही मैंने हिट एंड ट्रायल किया। मान लो ए को 6 घंटे तक खोल देते हैं, अगर 6 घंटे तक हमने एक मतलब 6 घंटे तक ए और बी दोनों को रखा और फिर हमने छोड़ दिया बी के ऊपर, ऐसे ट्रायल किया मैंने, तो 6 घंटे तक देखिए ए का 1 घंटे का 4 यूनिट है, तो ए का 6 घंटे का हो जाएगा 24 यूनिट, और बी का 1 घंटे का 3 यूनिट है, तो बी का 6 घंटे का हो जाएगा 18 यूनिट। तो यानी कि 6 घंटे तक ये दोनों कितने यूनिट काम कर चुके होंगे, 42 यूनिट। ठीक है, लेकिन हमको काम कितना चाहिए, 60 यूनिट चाहिए टोटल। अब बचे हैं 6 घंटे, 6 घंटे बचे हैं, बी 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, तो बी 18 घंटे कर लेगा काम। और देखिए अगर आप 42 में 18 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 6 घंटे बाद ही इसका आंसर होगा, ये 6 घंटे इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे वहां पे हिट एंड ट्रायल करना था, लेकिन आप ऐसे अगर कभी क्वेश्चन हो तो अब 12 घंटे साफ साफ समझ में आ रहा है, तो एक बार 6 घंटे मतलब काफी अप्रोप्रिएट होता है कि एक बार 6 घंटे आधे में करके देखें उसमें। ठीक है, ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन है, रोम्बस है, उसका पेरीमीटर है 34। अगर पेरीमीटर 34 है तो रोम्बर की चारों साइड होती है इक्वल, यानी कि रोम्बर की साइड निकल आएगी, रोम्बर की साइड कितनी आ जाएगी रोम्बस की, 34 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये 8.5 आ जाएगी। अब कह रहा है कि एक विकर्ण दिया है 7, यानी कि एक डायगोनल 7 दिया है, दूसरा आपको निकालना है। देखिए रोम्बस का ये होता है आपका, इस तरह से होता है रोम्बस की, जो इसकी डायगोनल होती है वो 90 डिग्री पे कट करती है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। हमने साइड निकाल ली 8.5, 8.5 निकाल लिया, एक विकर्ण निकाल लिया, मान लीजिए ये वाला विकर्ण है। अगर आप टोटल विकर्ण है 7 यानी कि डायगोनल है, तो आधा इसका कितना हो जाएगा, 3.5, यानी कि ये लेंथ हो जाएगी 3.5, ये है 8.5 और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। आ जाएगा सिंपल की नहीं, ये वाले की आ जाएगा आंसर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 8.5 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, ये हो गई आधी डायगोनल, इनटू कर देंगे 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक घन का आयतन है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, 1 क्यूब, बस उसमें आप लगा दीजिए डायरेक्टली भुजा आ जाएगी। फिर एक एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, मतलब एक आधा ऐसे करके दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या है 14, तो त्रिज्या है 14 यानी कि ये हो गई 14, रेडियस है मतलब 14, परिधि ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए परिधि का मतलब हो गया टोटल इसकी सरकमफ्रेंस ज्ञात करनी है। अब पूरे सर्किल की होती है 2πr, आधे सर्किल की क्या हो जाएगी, πr, तो ये वाली जो वैल्यू हो गई ये πr हो गई, πr कर दो और प्लस इसमें 2 × r कर दो, क्योंकि ये भी तो जोड़ना है ना, टोटल परिधि निकालनी है ना आपको, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है। फिर ये 400 600 से कितना प्रतिशत कम है, ये तो बहुत ही सिंपल है, 600 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 600 × 100, सिंपल फॉर्मूला लगाना है इसमें, फॉर्मूला बिना लगाओ तब भी आपका सिंपल से हो जाएगा ये, क्योंकि 600 यहाँ पे आप रिफरेंस ले रहे हैं, तो 400 को उससे कर रहे हैं कंपेयर, तो 600 माइनस ये हो जाएगा और रिफरेंस में नीचे आ जाएगा 600, इससे आपका आ जाएगा 33% समथिंग आ जाएगा ये। फिर क्वेश्चन है कि 2:3 संख्याओं का योग है 75, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए सिंपल है ये, अगर मान लीजिए आप x मान लीजिए दोनों का रेशियो में, तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा संख्या, दोनों का योग है कितना है 75, तो यानी कि 5x आ जाएगा 75, यानी कि x कितना आ जाएगा आपका 15। अब x आ गया 15, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी वाली कितनी हो जाएगी 15 × 2 यानी कि 30, बड़ी वाली हो जाएगी 15 × 3 यानी कि 45, तो 45 इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग अटेम्प्ट करके बताइएगा। ठीक है, अभी मैं जल्दी थोड़ा सा अभी आज लेट हो गया हूँ इसलिए अलग कर रहा हूँ। फिर इसके बाद एक और है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सवाल जो डेली आ रहा है, वैल्यू बेस्ड, लाल किले पे था एक सवाल, ये सब हम लोग टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स के लिए दे चुके हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो तो बताइएगा। ठीक है, तो ये है अभी आज की डीआई भी एक आई थी, काफी सिंपल सी थी, बहुत ही ज्यादा, बस देखिए डीआई में ये होता है कि एक बार जो फिगर होता है उसको ध्यान से पढ़िए, और काफी कुछ उससे किया जा सकता है, काफी कुछ फिगर से जैसे पाई चार्ट दे देते हैं या फिर बार ग्राफ दे देते हैं, इतना कोई टिपिकल होता नहीं है। आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं एक ऐसे बना दूंगा कुछ एग्जाम्पल करके। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और ये देखिए जो ओनली एसएससी एग्जाम्स ये वाला ग्रुप में आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, ये अलग पिक भी शेयर कर दी गई है। एक्चुअली मैं 1-2 दिन के लिए कहीं गया हुआ था इसलिए नहीं हो पाया था, अभी मैं जस्ट आया हूँ, अभी मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ प्लस और भी जीके शेयर करता हूँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए सीएचएसएल के एनालिसिस कर लेते हैं आज।
एक्चुअली आज मैं कहीं बाहर हूँ तो इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल से फिर भी मैं बना रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आया था आपका, एक ये आया था कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, जो सिख गुरु हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका वैसे पाकिस्तान में हुआ था, करतारपुर में, ठीक है। इससे एक ये आप समझ लीजिए कि जो भी जितने भी पंजाबी जो सिखिज्म के जो 10 गुरु हैं उनका एक बार जरूर देख लीजिएगा ये डेटा कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ है, ठीक है। और प्लस उनसे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, वैसे मैं वीडियो वो वाला शेयर कर दूंगा इसी हमारे ओनली SSC वाले ये चैनल में, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आया था आपको, आपको निकालना था इसमें पहले 39 इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना था। देखिए ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था आज, लेकिन फिर भी काफी सिंपल है। एवरेज वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ करना क्या है। देखिए पहले तो आपको नंबर पता होने चाहिए, इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6 ऐसे करके होगा। अब आपको 39th नंबर इसका निकालना है, ठीक है। तो या तो आप इसको ये सीधा कर दीजिए, इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सम का फॉर्मूला होता है n/2 (2a+n-1)(d) होता है, ये सम हो गया। अब डिवाइड बाय एन कर दोगे तो ये एन एन कट जाएगा, यानी कि डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बस यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 × a, ए क्या था 2, प्लस n-1, एन कितना है यहाँ पे 39, 39-1, और यहाँ पे डी कितना है ये भी 2 है, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय आप 2 कर दोगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 38 × 2 यानी कि हो गया 76 हो गया आपका, और प्लस 4 यानी कि 80/2 यानी कि 40 इसका आंसर आ जाएगा, इसका एवरेज, ठीक है। तो ये है पहले 39 इवन नंबर्स का आपका एवरेज। देखिए समझ में आया क्वेश्चन नहीं, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखिए, बस सम डिवाइडेड बाय नंबर। और सम यहाँ पे क्या है, सम यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर डिफरेंस है तो यानी कि यहाँ पे आपको AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बस आप उसका फॉर्मूला लगाओगे और एस में सम में आता है n/2 तो n कट जाएगा, इससे आ जाएगा आंसर आपका। फिर देखिए ये क्वेश्चन आया था कि एक ऑब्जेक्ट है उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो 30% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। मान लो कॉस्ट प्राइस है एक्स, ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया 1.3x, क्योंकि 30% ज्यादा है। अब कह रहा है डिस्काउंट वॉज गिवन 36 रुपीज, तो डिस्काउंट क्या होता है आपका, डिस्काउंट होता है आपका, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया है 36, अभी हमने मार्क्ड प्राइस क्या निकाला, ये 1.3 × x, x क्या है यहाँ पे CP है, और यहाँ पे ये आपको जो सेल प्राइस है वो भी दिया हुआ है 700, तो यानी कि यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका आ गया। जब कॉस्ट प्राइस भी आ गया और सेलिंग प्राइस भी आ गया तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। देखिए कोई भी अगर मान लो प्रॉफिट निकालना है या गेन निकालना है और अगर लॉस निकालना है, दोनों का रेफरेंस लिया जाता है कॉस्ट प्राइस से। तो यानी कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट निकालो, ये प्रॉफिट क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस (100) आ जाएगा परसेंट। अगर मान लो लॉस पूछ लेते तो क्या होता, तो लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस (100), तो ये हमेशा जो रेफरेंस लेते हैं कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, ये क्वेश्चन था। फिर देखिए ये क्वेश्चन आया था कि पॉइंट के बाद 7 बार 5 बार 7 है, 4 बार 7 है, 3 बार 7 है, 2 बार 7 है, 1 बार और ये 0। अब मुझे ये एग्जैक्टली बताइए, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अगर ये सिर्फ 6 टर्म दिए थे तो आप डायरेक्टली एडिशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये मान लीजिए प्लस 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 और है तो फिर यहाँ पे 2-3 टाइप की सीरीज बन जाएंगी, उसको फिर मैं अगले वाले वीडियो में इंक्लूड करूंगा। कल पहुंच जाऊंगा मैं घर तो ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक बार बता दिएगा कंफर्म करके कि क्या ये 6 टर्म थे सिर्फ या फिर पूरी इनफाइनाइट तक सीरीज थी है। फिर उसके बाद देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे ये, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे मोटर व्हीकल कंपनसेशन वाला ये क्वेश्चन आया था। फिर ये आया था कि नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, PM होते हैं, आपको पता ही है, वाइस चेयरमैन है इस समय, और वाइस चेयरमैन की जो रैंक होती है वो होती है आपकी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। ये फिर आया था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता चल पाया। फिर देखिए मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटिलिटी का कल ही मैंने बताया था आपको और उनके एग्जाम्पल भी बताए थे, तो ये जो बीटेन इंटू शीट होगा इसमें से कौन सा एग्जैक्टली पूछा था ये जरा बताइएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आया था जो प्लैनेट से रिलेटेड, GK प्लैनेट से रिलेटेड, मैंने आपको कल वाला जो आपको वीडियो बनाया था उसमें पूरी प्लैनेट GK बताई थी कि कौन सा प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, कौन से 2 एग्जैक्टली प्लैनेट है वो सिर्फ क्लॉकवाइज मूव करते हैं, कौन सा सबसे बड़ा प्लैनेट है, कौन सा सबसे छोटा, वाला एक प्लैनेट GK का मैंने एक्चुअली वीडियो ही बना रखा है, वो मैं शेयर कर चुका हूँ यहीं पे ओनली SSC एग्जाम में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अर्थ वैसे 5th नंबर पे है और सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। आमिर खुसरो ये किसके थे, डिसाइपल निजामुद्दीन औलिया के,
फिर चाइना डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, ये पूछा था, ये अभी एक इस पे स्टैटिक जीके का बनाया है, अजीत ने बनाया है, उसमें जितने भी इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनसे रिलेटेड पूरी कौन सी बाउंड्री शेयर करता है, प्लस ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री है उनके एमपीएम का नाम पूछ रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे जीके के आ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था पेट्रोलियम पंचायत से रिलेटेड, ये आया था बैडमिंटन चैंपियनशिप, भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाला है। फिर ये आया था कि मियामी वाला, ये भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर में हमने बताया था, और ये यूनिफॉर्म मोशन से आया था। आज एग्जैक्टली ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए और आज की शायद पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगी, कल की, कल एक्चुअली मैं रात में मुझे कहीं आना पड़ा था, घर ही आया हुआ था, तो इसलिए मैं पूरा नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाल के जो मुझे क्वेश्चन मिले वो मैंने अभी बता दिए। ये वाले क्वेश्चन को कल इंक्लूड करके मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा, अभी मेरे पास नेट भी नहीं है ज्यादा, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। अभी अजीत जी की एक एनालिसिस आएगी, उनके वो काफी सारे क्वेश्चन लाएंगे शाम की शिफ्ट में, शायद उनका खुद का एग्जाम है, तो वो काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ये वाला आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये जो है हमारा ग्रुप यहीं पे सब मिल रहा है, सब फ्री की पीडीएफ है, ओनली एसएससी एग्जाम्स, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारा चल रहा है सीएचएसएल 2018 का टीयर वन का एग्जाम, और इसमें एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, नेबरिंग कंट्रीज से लेकर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। आज बांग्लादेश को लेकर कुछ पूछा गया था, कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा गया था जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके इसमें देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे आने वाली शिफ्ट में, जिससे आपको फायदा हो सके और आप अपने 2 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर सकें। आने वाली शिफ्ट के जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, जिनके हो चुके हैं उनकी तो मैं हेल्प नहीं कर पाया, बट अभी आगे के लिए आप लोग एक क्वेश्चन को पक्का कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स के बारे में, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं 8, जिनसे हम अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके बारे में कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं, बल्कि वो चीज़ें देख लेते हैं जो हाल ही में ज़रूरी हैं, जो हमसे ज़रूर पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में। जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, और नेशनल फ्लैग वगैरह को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका के पीएम के बारे में। तो आज की डेट तक 4 मार्च तक हमारे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रमे सिंघे, और इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। और इस समय तक पाकिस्तान के हमारे प्रधानमंत्री हैं शाहिद खाकन अब्बासी, और ये आज के हमारे शिफ्ट में पूछे गए थे, शायद दूसरी या पहली शिफ्ट में ही, आप लोग कंफर्म कर दें नीचे। और पार्टी है इनकी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग, ठीक है। और नेपाल के पीएम की बात कर लें तो हमारे हैं इस समय खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखें, ये इन्होंने जनवरी में अपॉइंट हुए हैं ये, और इसलिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है दोस्तों, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। और प्रेसिडेंट की बात कर लें नेपाल के आज की डेट तक कौन होंगे, तो इनका नाम है विद्या देवी भंडारी, और ये फीमेल हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की अगर बात कर लें तो है मामनून हुसैन आज की डेट तक दोस्तों। और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका की बात कर लें तो मैत्रीपाला सिरिसेना है आज की डेट तक। और बांग्लादेश के अगर पीएम की बात कर लें तो शेख हसीना है, ये बात मेरे ख्याल से पता होगी सभी को। प्रेसिडेंट कौन है आज की डेट तक बांग्लादेश के, तो वो हैं प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। चाइना की बात कर लें तो आज की डेट तक पीएम है ली कियांग करके हैं, और प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ओनली एसएससी एग्जाम्स जो हमारा पब्लिक चैनल है उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहां पर शेयर कर दी जाएगी, आप लोग वहां पर भी देख लेना। अफगानिस्तान की अगर बात कर लें तो प्रेसिडेंट है हमारे अशरफ घनी। बात कर ले दोस्तों हम लोग भूटान की, तो आज की डेट तक यहाँ पर पीएम ये होंगे शेरिंग तोबगोए करके हैं, और किंग इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं, किंग का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है भूटान के, जो आज की डेट तक हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार का नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सभी के प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ऑब्सक्योर हैं इस वजह से आप इनका नाम देख लेना, हमें प्रोनाउंस करने को नहीं बोलेगा, ऑप्शंस में से आप लोग सिलेक्ट कर लेना अगर आ जाता है आगे की शिफ्ट में। हो सकता है इससे क्वेश्चन नहीं भी आएगा, बट अगर आ जाता है तो आगे से आप लोग गलत ना करें, क्योंकि ये पूरी तरह से अवेयरनेस पर बेस्ड है, अगर आपको आता है तो ही आप सही कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जो अन्य देशों की है, इससे भी एसएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। पिछली बार एमटीएस 13 अक्टूबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, और भूटानीज ऑप्शन में नहीं था, वहां पर उसका जो दूसरा नाम होता है भूटानी लैंग्वेज का वो वहां पर दिया हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी देख लेना आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। श्रीलंका की दोस्तों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी सिंघली, और दूसरी वाइडली स्पोकन लैंग्वेज हो जाएगी यहाँ की तमिल। पाकिस्तान की लैंग्वेज हम सभी को पता है उर्दू होगी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, नेपाल की नेपाली हो जाएगी। बांग्लादेश की क्या होगी आप लोग लिख करके बताइए कमेंट्स में।
और चाइना की दोस्तों हो जाएगी स्टैंडर्ड चाइनीज जिसको मैंडरिन भी कहते हैं, और अफगानिस्तान की दोस्तों जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो है दोस्तों दारी, और दूसरी उनकी पॉपुलर लैंग्वेज है पश्तो। और भूटानी की मैं बता चुका हूँ, भूटान की जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज वो भूटानीज होती है जिसको जोंखा भी कहते हैं। और म्यांमार की क्या होगी ऑफिशियल लैंग्वेज ये भी आप लोगों को लिखकर बताना है सर्च करके कमेंट्स में। अब फ्लैग की बात कर लेते हैं हम लोग। आज ये क्वेश्चन आया था, शायद इसी तरह इसका कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आया था कि फ्लैग में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है बांग्लादेश के फ्लैग में। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो हमको सर्किल जो दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों उन लोगों का बलिदान या उन लोगों का सेक्रीफाइस जिन लोगों ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सहयोग किया, वो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा रेड सर्किल। और ये लश ग्रीन फील्ड जो दिख रहा है, लश ग्रीन जो कलर आप लोग देख रहे हैं वो यहाँ की प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ की उपजाऊ भूमि को शो करता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के फ्लैग के बारे में। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नई चीज़ें ध्यान रखनी है, इसका प्रोपोर्शन आप लोग ध्यान रख लेना 2/3 होता है। और इसको डिज़ाइन किसने किया था, अमीरुद्दीन किदवई, ये हमसे पूछ सकते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रख लेना कि पाकिस्तान का फ्लैग किसने डिज़ाइन किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग श्रीलंका के फ्लैग के बारे में। तो इसको आप लोग देख लेना, यहाँ पर कई चीज़ें दिखाई गई हैं, जो ये फोर लीव्स हैं इनका भी कुछ मतलब होता है, जो ये लॉयन दिखाया जा रहा है इसका भी कुछ मतलब होता है, और ये दो स्ट्रिप्स हैं इनका भी कुछ था कुछ मतलब निकलता है। तो देख लेते दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो हमको लॉयन दिखाया जा रहा है वो तो सबसे पहले जो सिंघली लोग हैं उनकी ब्रेवरी को शो करता है, और जो फोर बो लीव्स आप देख पा रहे हैं वो बुद्धिज्म के चार कॉन्सेप्ट को सिम्बलाइज करता है, मेत, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार जो भी कॉन्सेप्ट हैं बुद्धिज्म के वो यहाँ पर इन चार स्ट्रिप्स के द्वारा शो किए जा रहे हैं। ये चार स्ट्रिप्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, वो ये चार कॉन्सेप्ट को शो कर रही है बुद्धिज्म के। और लॉयन की बात हो गई, स्ट्रिप्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इन दो स्ट्रिप्स की। तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन और एक सैफ्रन स्ट्रिप यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और क्या शो करती है, जो हमारी सैफ्रन स्ट्रिप है ये तमिल लोगों को शो करती है, माइनॉरिटीज़ को, और जो ये ग्रीन है ये शो करती है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को, वहाँ पर ये दोनों माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं इस देश में वो यहाँ पर शो की जाती है। और जो ये मैरून यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पूरे में मैरून बैकग्राउंड, ये लॉयन के पीछे ये शो करता है सुपीरियॉरिटी सिंगलीज की। ठीक है, आप लोग समझ गए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग चाइना के बारे में, चाइना का फ्लैग क्या शो करेगा। चाइना का फ्लैग पहले देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा होता है, पूरा रेड कलर का होता है, और यहाँ पर 5 सितारे आपको दिख रहे होंगे, 4 छोटे 1 बड़ा। और क्या क्या इसके द्वारा शो किया जाता है, सबसे पहले तो रेड कलर की बात कर लें, तो ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को सिम्बलाइज करता है हमारा रेड कलर। और जो 5 सितारे हैं वो रिलेशनशिप शो करते हैं चाइनीज लोगों की, यानी कि चाइनीज लोग पूरी तरह से यूनाइटेड हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंतर्गत अच्छे से काम कर रहे हैं, इस तरह की बात यहाँ पर शो की जाती है इन स्टार्स के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के झंडे के बारे में। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें शो की गई हैं और हर चीज़ का अलग मतलब होता है। जैसे यहाँ पर पहले झंडा देख लेते हैं, यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले तो बीच में है ये इनका एम्बलम है, और यहाँ पर ब्लैक कलर है, यहाँ पर रेड कलर है, और एक ग्रीन कलर है। तो सबका मतलब समझ लेते हैं। जो सबसे पहले हमारा ब्लैक कलर शो किया जा रहा है वो यहाँ पर 19वीं सदी में इसकी त्रासदी की बात कह रहा है, या जो भी इन लोगों ने कंडीशंस फेस की उसकी बात कह रहा है, और ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाएंगे। जो इन्होंने अंधकार युग देखा है, एक तरह से डार्कनेस को, एक तरह से निगेटिविटी को शो कर रहा है ब्लैक कलर झंडे में, और रेड कलर शो कर रहा है जो भी बलिदान किया गया स्वतंत्रता दिलाने के लिए, और स्पेशली सिम्बलाइज कर रहा है एंग्लो अफगान ट्रीटी 1919 को। इसको बहुत ज़रूरी आप लोग ध्यान रख लेना, अच्छे से ध्यान रख लेना कि जो अफगानिस्तान के झंडे में जो रेड कलर होता है वो क्या चीज़ सिम्बलाइज कर रहा है, एंग्लो अफगान ट्रीटी 1919 की ये शो कर रहा है। और ग्रीन कलर की बात कर लें तो अब ये बात करता है ग्रीन कलर की, आगे जाकर काफ़ी प्रॉस्पेरिटी गेन करेगा अफगानिस्तान, इस तरह का यहाँ पर सिम्बलाइज किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं नेपाल के फ्लैग के बारे में। तो यहाँ पर भी सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ये एक ऐसा फ्लैग है पूरे वर्ल्ड का जो नॉन क्वाड्रिलेटरल में है, यानी कि ट्राइंगल में नहीं है, ये पिनॉन्स में है या फिर पिनेंट्स में बना हुआ है, दो इसमें स्ट्रिप होती हैं, ये इस तरह से कुछ दिखेगा, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं है जैसे बाकी सारे झंडे इस तरह से होते हैं, वो इस तरह से नहीं है, वो कुछ इस तरह से है। तो सबसे बड़ा फैक्ट तो यही हो गया कि इसका थोड़ा सा अलग है, और बाकी देख लेते हैं कि क्या सिम्बलाइज करता है। जो हमारा क्रिम्सन रेड यहाँ पर शो किया जा रहा है, ये नेपाली लोगों की सबसे पहले तो वीरता शो करता है,
और जो यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड, यहाँ पर ब्लू स्ट्रिप शो की जा रही है, वो यहाँ पर पीस को शो करती है, शांति को। ब्लू स्ट्रिप जो है वो पीस को रिप्रेजेंट करती है, और रेड यहाँ पर शो करता है ब्रेवरी को। अब दो यहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडीज शो की जा रही हैं, उनका क्या मतलब हुआ? उनका ये मतलब होता है दोस्तों कि नेपाल की परमानेंस की बात की जा रही है, यानी कि एक स्पिरिट की बात की जा रही है कि जब तक ये सेलेस्टियल बॉडीज, या फिर कह सकते हैं जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक नेपाल भी रहेगा हमारा, इस तरह की बात ये लोग शो करते हैं अपने फ्लैग में इन सेलेस्टियल बॉडीज को दिखाकर। तो फ्रेंड्स, हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अब से किसी भी SSC की शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में इस तरह के कुछ फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो अब आप लोग गलत नहीं करना। लाइक करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें, और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दिस इज प्रीति बोरा, और अभी हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका लेंगे, क्योंकि ये CHSL के आपके एग्जाम में अभी पूछा गया है। ये बेसिकली डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इनके टारगेट्स क्या है, या बेसिकली अचीव कर लिए गए हैं, नहीं कर लिए गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये, तो मैंने उसी टाइम आपको दे दिया, ताकि आप नेक्स्ट जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे या फिर जो सुन रहे होंगे उनके लिए आपका एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहे ये चीज़। क्योंकि देखो, डिजीज अगर पूछा गया है तो दूसरे डिजीज, अभी जैसे एड्स पूछा गया है रिसेंटली, अभी CHSL के पेपर में एड्स का टारगेट पूछा गया है, तो अभी नेक्स्ट में हमें दूसरी जो डिजीज है, दैट इज जो रिकॉग्नाइज की गई है बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, वो भी इंडिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में। तो ऐसे डिजीज के ऊपर हमें देखना चाहिए कि इनके टारगेट्स क्या है और इनकी टाइमलाइन क्या है, ठीक है। बेसिकली तो ज़्यादातर मेरा यही फोकस इनके ऊपर रहेगा कि जो WHO ने आपको दिए हैं, ठीक है, जो आपको रिकॉग्निशन दिया है, या फिर स्पेसिफिकली जो इंडिया में हुई है, आपके इंडिया में जरूर ज़रूर ये पूछा जाएगा कि बेसिकली जो टारगेट है आपका, टारगेट कितना अचीव करना है, कहाँ तक अचीव करना है, या फिर कौन से डिजीज़ हैं वो इरेडिकेट हो चुके हैं, ठीक है, इरेडिकेशन किस किस चीज़ का हो चुका है। और बेसिकली सबसे पहले मैं देखो इससे जाना चाहूँगी, क्योंकि देखो कई बच्चे तो उनको यही नहीं पता होता कि इरेडिकेशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर नहीं पता, तो जो सबसे पहले जिसने ऐसा प्रपोजल दिया था, दैट इज़ डोडल, उसको उनका नाम था डोडल, ठीक है, उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया था कि बेसिकली जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब किसी भी चीज़ में कमी, उसके इंसिडेंस में कमी, उसके होने में कमी, उसके प्रेवलेंस में कमी, उसके जो अभी प्रेवलेंस मतलब जो अभी चल रहा होता है, ठीक है, उसमें कमी, ठीक है, उसकी मॉर्बिडिटी में कमी, उसको बढ़ने ना देना, ठीक है। तो दैट इज इसको बोलते हैं हम एक तरह से कंट्रोल, ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल। और अब आते हैं एलिमिनेशन पे। एलिमिनेशन बेसिकली रिडक्शन टू जीरो, ठीक है, किसका, डिजीज का, डिजीज के ना होने का, इन्फेक्शन के ना होने का, इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। जब ज्योग्राफिकल एरिया में जब वो रिडक्शन टू रिड्यूस टू जीरो हो जाए, तब उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और अगर हम इरेडिकेशन की बात करें, तो वो परमानेंट रिडक्शन टू जीरो होता है, ठीक है, वो भी वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है। मतलब क्या है बेसिकली कि आपका एलिमिनेशन इज अ सबसेट और इरेडिकेशन इज अ सेट, ठीक है, सबसेट और सेट, आई थिंक मैथ्स वालों को पता होगा कि क्या होते हैं, ठीक है, थीके? तो ज़्यादा इनमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले इसकी डेफिनेशन ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इरेडिकेशन और एलिमिनेशन या फिर कंट्रोल में क्या डिफरेंस है बेसिकली। क्योंकि एज पर WHO की जो डेफिनेशन है, मैंने उससे उठा के लिया है ये। और अभी तक बेसिकली वर्ल्ड में आपका देखा जाए, अगर पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो बेसिकली हुए हैं वो 8 अटेम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है, 8 अटेम्प्ट्स अभी तक हमने किए हैं ऐसा, किसको इरेडिकेट करने के लिए, किसको इरेडिकेट करने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है। और जो सक्सेसफुल रहा है वो किस में रहा है, एक तो स्मॉल पॉक्स में, एक रिंडर पेस्ट में, ठीक है, दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं इरेडिकेशन के लिए, किसके थ्रू, बाय दी WHO, क्योंकि WHO ही ऐसा काम करता है, ठीक है। और दूसरा अभी ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, किस किस के लिए चल रहे हैं, दैट इज पोलियो के लिए, यॉस के लिए, और ड्रेकोनालिसिस इसको बोलते हैं बेसिकली, आपका दूसरा वॉर्म की वजह से होता है डिजीज होता है, ठीक है, और नेक्स्ट इज मलेरिया, ठीक है। तो चार के लिए हमारा ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, दो हमने इरेडिकेट कर चुके हैं, दैट इज वर्ल्ड वाइड हमारे इरेडिकेट, दैट इज स्मॉल पॉक्स और इंटरपेस्ट, ठीक है। रिसेंटली करंटली भी चल रहा है, करंटली जो चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके टारगेट पूछे जा सकते हैं कि इंडिया में इनका टारगेट रिडक्शन का क्या है, या फिर इरेडिकेशन का क्या है, कितना हमने टारगेट लिया, क्योंकि ऑनगोइंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो फॉर्मर हमने फ्यूचर के लिए देखे हुए हैं, फ्यूचर के लिए बेसिकली हमने हुकवॉर्म को देखा है और येलो फीवर को देखा है। WHO का मतलब
फ्यूचर में प्रोग्राम है कि भाई फ्यूचर में हम इन दोनों को देखेंगे, पहले हम ऑनगोइंग को देख लेते हैं चारों को, फिर हम फ्यूचर में इन दोनों को, इन दोनों से निपट लेंगे, ठीक है। अभी बेसिकली 2018 में क्या हुआ था कि जो कुछ और भी इंफेक्शस डिजीज है उनको मतलब आविष्कार किया गया था उनका बेसिकली, कि भाई हमको मिल गए थे जो पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है, और इरेडिकेट, क्योंकि उनको पोटेंशियल इतना ज़्यादा है उनमें डिजीज फैलाने का, तो उसको इरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। किसके द्वारा? कार्टर सेंटर इंटरनेशनल टास्क फोर्स के द्वारा, सॉरी, जो क्या करता है डिजीज इरेडिकेशन के लिए टारगेट सेट करता है या फिर अपना उनको ढूंढ के लाता है, ठीक है, कि भाई इनको इनको इरेडिकेट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, ये ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं किसको, डिजीज फैलाने को या फिर आपकी डेथ रेट्स में, ठीक है। तो उनके उन्होंने 2008 में क्या किया, 2018 में उसने 5 नए नए डिजीज और छान दिए, दैट इज मीजल्स, मम्स, रूबेला और आपका क्रिस्टोसेरिसिस। तो बेसिकली इतने सारे आपको नाम याद कर लेना क्योंकि अभी रिसेंटली 2008 में इनका नए नए डिजीज आए हैं ना, तो बेसिक इनका पता होना चाहिए कि किसकी वजह से होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और बेसिकली अभी देखो CHSL में अगर टारगेट पूछ रहे हैं तो हम ही टारगेट पे ही जाएंगे, अभी हम फोकस ज़्यादा टारगेट पे करेंगे। तो इंडिया ने एलिमिनेट किस किस को डिजीज को कर दिया और कब तक कर दिया मैंने आपको नीचे दे दिया, दैट इज गिनिया वॉर्म बोलते हैं ड्रैगनोलिसिस, जो मैंने आपको पहले बताया था, फेब्रुअरी 2000 में उसको एलिमिनेट कर दिया गया है इंडिया से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। लेपरेप्सी हमने 2005 में इससे छुटकारा पा लिया था, और यूएस में सितंबर 2006 में, पोलियो 2014 में इंडिया इज फ्री फ्रॉम पोलियो, और बाय द WHO इन 2014 में अनाउंसमेंट हो चुकी थी, ठीक है। नियोनेटल टेटनस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे अब लेटेस्ट जो है, सबसे लेटेस्ट जो डिजीज़ है जो हमने इंडिया ने भाई भगा दी है अपने देश में से, दैट इज़ योर एड्स डिजीज़ है, ये अपने 2015 में हमने नियोनेटल टेटनस से बेसिकली छुटकारा पा लिया है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको टाइमलाइन दे दी गई है। और अब अभी बेसिकली देखो प्राइम मिनिस्टर सॉरी अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर है बेसिकली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्शन प्लान के द्वारा बताया कि हम जो काला आजर है, काला आजर को हम 2017 तक एलिमिनेट कर देंगे, और फ्लैरेसिस को हम 2017 तक, इसको भी 2017 तक ख़त्म कर देंगे, लेपरप्सी को 2018 तक कर देंगे, मीजल्स को 2020 तक इसका टारगेट है, ठीक है। और एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस 2025, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे को लग रहा है, टीबी पूछेंगे, अभी एड्स पूछा था तो अभी टीबी जरूर पूछ सकते हैं। तो बेसिकली दोबारा से इसको रिवाइज कर लो कि काला आजर को 2017 तक कर देंगे, फ्लारेसिस को 2017 तक कर देंगे, लेपरप्सी को 2018 तक कर देंगे, मीजल्स को 2020 तक कर देंगे, और ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ऐसा इंडिया ने टारगेट किया है, और जो ऊपर लिखे हुए हैं आपके, जो आपको दिख रहे हैं ये हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, और इनका भी टाइमलाइन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने 2-3 लाइनें और भी लिख दी हैं बेसिकली, ज़्यादा यू नो जो थोड़ा UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए ये सब, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इंडिया का 39 2014 में था, लेकिन हमने टारगेट सेट किया कि 28 पे आ जाएंगे हम 2019 तक, ठीक है, इतना कम कर देंगे। नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप कहीं किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 100/2020 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 167 पे थे 2013 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दैट इज 100 पे आ जाएंगे हम 2020 तक, ठीक है। और यही था आपका अभी तक जो डिजीज इरेडिकेशन, मैंने इसलिए वीडियो प्रिपेयर किया क्योंकि अभी अभी रिसेंटली CHSL में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन 2018 के पेपर में। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया है, मैंने इवन बेसिक डेफिनेशंस पे आपको बता दी कि इरेडिकेशन और एलिमिनेशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। बाकी WHO बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO की ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो जो भी यू नो अनाउंसमेंट करते हैं या इंडिया के लिए करते हैं, बेसिकली इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है उन्होंने, किसके लिए उन्होंने ये आप मेरे को बताइए कि इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किसके लिए किया है, कौन सी डिजीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मिली है इंडिया को, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मैंने एक पहले PDF डाली थी, उसमें काफी सारी चीजें मैंने बता दी थी कि जैसे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ रहे हैं, तो मैंने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आपको वीडियो दे दिया था तुरंत टेलीग्राम चैनल में। फिर जो ये कई सारे एक्ट का पूछ रहे हैं कि किस ईयर में पास हुआ था, तो वो मैंने आपको दे दिया था वीडियो। प्लस जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसमें आया था पंचायती राज का आया था और म्यूनिसिपैलिटी वाला आया था। तो ये सब मैं PDF इसीलिए मैं देखिए ये अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रहा हूँ। और अभी मैंने मेरे पास काफी सारे मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आज ये आया था, अगर देखिए टोटल अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वही है कि 100 में से करीबन, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि 25-25 जो क्वेश्चन आते हैं
आप जितनी भी जगह एनालिसिस देखेंगे सब वही बोल देते हैं इजी टू मॉडरेट, और 70 से 75 आप कर लोगे, ये डेली का वही रोना है, तो ये इसमें नहीं जाएंगे हम लोग ज्यादा, क्योंकि ये सब में कॉमन ही है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, जो मुझे क्वेश्चन मिले मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दूंगा, ताकि अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। मैथ्स के क्वेश्चन भी लूंगा मैं इसमें काफी सारे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया था, ये होता है NaHCO3। उसके अलावा देखिए काफी सारे मैंने और भी लिख दिए हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो अब आपका गलत नहीं होगा। वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का बाई सोडियम बाई कार्बोनेट, बोरेक्स का होता है आपका सोडियम टेट्रा बोरेट, ब्राइन है ये NaCl, कास्टिक सोडा है हाइपो है ये कास्टिक सोडा है NaOH, ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट, चॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, ड्राई जो आइस होता है सॉलिड CO2 होता है, और प्लस और भी हैं काफी सारे, जैसे ज्वेलर्स रॉग होता है फेरिक ऑक्साइड का, साल्ट पीटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, टेबल सुगर होता है सुक्रोज को बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं एसिटिक एसिड को। देखिए कई सारी मैंने जो SSC CGL के टाइम पे एनालिसिस की थी वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आप लोग SSC CGL वाली जो प्लेलिस्ट है वो जरूर देख लीजिएगा। मैं देखिए मैंने ये एक चैनल बनाया है ओनली SSC एग्जाम्स, यहाँ पे जो भी मैं बोलता हूँ ना कि कौन सा वीडियो इंपॉर्टेंट है एक्ट वाला, या फिर कौन सा ये SSC CGL की एनालिसिस वाला इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। प्लस ये वाली PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है? पूरे दिन की एनालिसिस करके रात में देता हूँ मैं PDF। इसमें एक क्वेश्चन आया था लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। देखिए न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, पहला लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो रेस्ट पे रहेगा, और मोशन में तो मोशन में रहेगा जब तक वहां पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं आ जाएगी। सेकंड लॉ का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ तो आपने सुना ही होगा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? ये 3 लॉ है। फिर पानीपत वॉर के ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने पूरे लिस्ट दे दी यहाँ पे जितने भी बैटल्स हुए हैं मिडिवल हिस्ट्री के, और प्लस और भी जो इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में ओनली SSC में आपको कर दूंगा, ठीक है? बैटल ऑफ तराइन हुआ है 1191 में, इसमें पहले पृथ्वीराज चौहान जीत गया था मोहम्मद गौर से, गौरी से, फिर वो वापस आके दूसरे वाले बैटल में जो सेकंड बैटल हुआ था उसमें मोहम्मद गौर जीत गया था, ठीक है? उसके बाद और इसी के जरिए ये मोहम्मद जो गौर था ये इसको मतलब इंडिया में इसकी एंट्री मिल गई। बैटल ऑफ चंदावर हुआ है ये जयचंद के बीच में और मोहम्मद गौर के बीच में, जो मोहम्मद महमूद था जो। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, ये पहला हुआ है बाबर और आपका इब्राहिम लोधी में। देखिए ये 3 पानीपत को याद रखने की जो ट्रिक है बिहामा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी, मतलब इसका क्या हुआ कि पहला वाला जो आपका युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोधी, सेकंड वाला हेमू और अकबर, और तीसरा वाला मराठा और ऐबक अब्दाली, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, तो ये बिहामा, ठीक है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, 3 ये जो पानीपत के युद्ध है उनकी है ये। उसके बाद फिर बैटल ऑफ खनवा हुआ है आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये बाबर जीते थे, जो पहली वाली पिक है वो एक्चुअली ये भी बाबर जीता था, मेदनी राय के बीच में हुआ था बैटल ऑफ, ये बाबर ये भी जीता था अफगान से। बैटल ऑफ चौसा हुआ है, ये शेर शाह जीत गया था हुमायूं से 1539 में। फिर बैटल ऑफ ये कन्नौज या बिलग्राम हुआ, ये शेर शाह जीता था हुमायूं से। फिर उसके बाद है फिर ये बैटल जो हुआ था ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें देखिए अकबर जीता था हेमू से। मैंने बता दिया बिहामा याद रखना, ठीक है? BIHAMA, ये पहले पानीपत, सेकेंड पानीपत, थर्ड पानीपत। फिर बैटल ऑफ तालीकोटा, ये अली आदिल शाह जीता था थे। उसके बाद है कार्नाटिक वॉर से, ये पहले वाला तो ये फ्रेंच जीती थी ब्रिटिश को हरा के। फिर सेकंड वाला है मतलब जो ये आपके कार्नाटिक वॉर थे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुए थे तीनों, सेकंड वाला और थर्ड वाला भी ब्रिटिश जीती थी, थर्ड वाला और सेकंड वाला ब्रिटिश जीती थी। फिर बैटल ऑफ प्लास को हरा दिया गया था। फिर बैटल ऑफ बक्सर था जहां से ब्रिटिश की फाइनली बहुत ही अच्छी तरीके से एंट्री हो गई थी, और उसके बाद ये फिर ये है मतलब नॉर्मल, ठीक है? इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये किसी ने लिखा था हमारे ग्रुप में SSC ज्ञान वाले ग्रुप में, एक देखिए दो है हमारे टेलीग्राम में ग्रुप, एक तो है ओनली SSC एग्जाम्स वो चैनल है, उसमें सिर्फ मैं आपको मैसेज दे सकता हूँ प्लस PDF प्लस वीडियोस, उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते। और एक है SSC ज्ञान, उसमें आप लोग मैसेज करके आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें किसी ने ये भेजा था, मुझे समझ नहीं आया कि क्या पूछ चुका हूँ वो वाले वीडियो देखो तो टाइम इस लेवल का आ जाए, कभी गलत नहीं होता। देखिए ये ऐसी पिक है थोड़ी सी, किसी काम को करने में 8 दिन लगाते हैं, एक काम को करने में 8
लगाते हैं, और कह रहा है सी और ए उस काम को करने में 10 दिन लगाते हैं। तो आपको ये कह रहा है कि ए और बी प्लस सी तीनों अगर मिल गए तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें मैंने दो मेथड बताए थे, एक मेथड बताया था एलसीएम वाला, और एक डायरेक्टली आप एक दिन का काम निकाल के कर सकते हैं। एलसीएम वाले में क्या करेंगे कि पहले आप ये निकाल लीजिए टोटल एक्चुअली कितना करवाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 और 10 का आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब ये आपने एलसीएम ले लिया, 2 120 आ गया, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें फिर एक दिन का यूनिट निकालना है कितना कितना का। मैंने ऐसे ही बताया था, ठीक है। ये आपको एक दिन का, एक दिन में मान लीजिए ए प्लस बी कितना करेंगे, एक दिन में बी प्लस सी, एक दिन में सी प्लस ए। देखो ये तो है 120 यूनिट टोटल, मतलब ये टोटल इतना काम होना है। अब एक दिन में अगर आप निकालें तो ए प्लस बी का कितना आ जाएगा, अब देखो 120 करना है, 8 दिन, 8 डिवाइड बाई अगर आप 12 करेंगे तो कितना, एक दिन में करेंगे 15 यूनिट कर लेंगे, ठीक है। बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे, 120 डिवाइड बाई 10 यानी कि 10 यूनिट। सी प्लस ए एक दिन में कितना करेंगे, 120 डिवाइड बाई 10 यानी कि 12 यूनिट। अब ये तो हो गया एक दिन का काम। अब इन तीनों को आप जोड़ लेंगे अगर, तो ये एक दिन में कितना आ जाएगा, एक ये देखिए 2 into A+B+C आ जाएगा। तो ये एक दिन का इनका काम कितना, इनको भी जोड़ लें तो ये कितना आएगा, 37। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये एक दिन का जो A+B+C का काम कितना है, ये लोग करेंगे 37/2 यूनिट करेंगे एक दिन में। लेकिन काम कितना करना है, टोटल 120 यूनिट। तो 120 यूनिट काम करना है और एक दिन में कितना है इनका, 37/2, तो यानी कि 240/37 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका, अभी इसी हिसाब से कर सकते हैं एलसीएम वाले मेथड से, जो भी मुझे ये नंबर दिए हुए थे उस हिसाब। भी नंबरिंग सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें पहले हिट एंड ट्रायल करके देखा करिए, और सबसे पहले प्लस करके जरूर। ठीक है, तो कई सारी चीजें होती हैं उसमें। एक आपको ये दिया हुआ है कोडिंग की, फ्रेंड की कोडिंग है, EQHDMC और RST की पूछी। अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो F है, ठीक है, इसके पहले वाला टर्म है यहाँ पे E, ठीक है। ये जो R है इसके पहले वाला Q है, I है इसके पहले वाला H है, E के पहले आता है D, N के पहले आता है M, D के पहले आता है C। तो यानी कि R के पहले वाला जो है वो आपको लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, R के पहले आता है Q, U के पहले आता है T, S के पहले आता है PQR R आता है, T के पहले क्या आता है, S आता है, और Y के पहले आपका क्या आता है, X। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आया था 24, 29, 34, 39, ये तो बहुत ही सिंपल है, 5 5 ऐड करते जा रहे हैं तो 44 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे, बाकी मैंने जो सुबह वाली शिफ्ट में थे वो बता दिए थे काफी सारे, ठीक है। ये सब चीजें जो बर्थ वाले रेट, इंद्रा पॉइंट का नाम क्या था, पहले अर्बन एरियाज में कौन थे, ये सब चीजें शेयर।